हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। इज एनीवन लाइव? हाँ, जो भी लाइव है एक बार मुझे आवाज का थोड़ा सा कंफर्मेशन कर दीजिए। ठीक है। मेरे एंड पे आवाज ठीक है, बट आई एम वेटिंग। इफ समबडी रेस्पॉन्ड्स, आई विल बी वेटिंग 2 मिनट्स एटलीस्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले। हेलो। ओके रवि, फाइन। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आपके मैसेज नहीं आ रहे। ठीक है, चलो अभी मैसेज आए हैं तो ठीक है रवि, थैंक यू। अब अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट मिनिमम एक स्टूडेंट तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आप आ गए हो, बाकी लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये क्लासेस हैं। अपन ने पहले काफी टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, और उसके बाद अब जो आगे आने वाले टॉपिक हैं वो अपन देख लेंगे। 1 सेकेंड। तो इसमें जैसे लास्ट वाले में थोड़ा सा ब्रीफ हल्का फुल्का जो जो टॉपिक अपन ने क्लियर किए थे। प्रवीण हेलो, ठीक है, वॉइस इज क्लियर, थैंक यू। देखो, अब इसमें अपन ने बैकाल गिगाटोन वॉल्यूम डिटेक्टर भी अपन ने देखा था, जो न्यूट्रिनो को ऑब्जर्व कर रहा था। नासा का परसिवेरेंस रोवर मिशन अपन ने देखा था, जिसमें सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी थी कि कैसे वो सेल्फी ली है, इमेजेस भेजे हैं, वीडियोस भेजे हैं। ठीक है, रिसोर्स, एटमोस्फेयर, वो सारे के सारे जो अपने इसके पॉइंट थे वो अपन ने देख लिए थे। सूत्रा मॉडल जो हमारा कोविड-19 का था, मैथमेटिकल मॉडल, उसके बारे में भी अपन ने देख लिया था कि कैसे वो एक फेलियर रह गया था और थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया था। 5G भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था, और हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो था हमारा 5G। ठीक है, 1G, 2G, 3G, और ये अपन ने डायग्राम भी देखा था। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज नासाज परसिवरेंस मिशन। ठीक है। भारती, गुड आफ्टरनून। देखिए, चलो कोई नहीं, आज तो वैसे 2 बजे की क्लास होती है, तो आप लोग 2 बजे आने का ट्राई करें। अब 2 मिनट मैं वेट कर रहा हूँ, एटलीस्ट टाइम से आपको आना चाहिए। चलो कोई नहीं, फिर देखो। सबसे पहले नाउ वी आर स्टार्टिंग टुडेज क्लास। ये आज आज की आपकी लास्ट क्लास रहेगी जो पब्लिक रहेगी। कल से जो क्लासेस हैं वो सिर्फ बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेंगी, और जो लिंक है वो आपको चैट सेक्शन में ही शेयर किया जाएगा। अभी जैसे हम लिंक जो है वो आपको एप्लीकेशन में मिल रहा है चैट सेक्शन में, वो बाद में जो लिंक अपना रहेगा आपको बैच चैट सेक्शन में ही मिलेगा। जैसे ही आप चैट सेक्शन ओपन करते हैं, आपकी दो चैट्स ओपन होती हैं, एक डॉक्टर अमित अकेडमी के नाम से और एक आपकी पर्टिकुलर बैच के नाम से। ठीक है, तो उस जो बैच वाली चैट रहेगी उसी के थ्रू आपको क्लास अटेंड करनी है। भारती, गुड आफ्टरनून। चलो ठीक है, तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है नासा का वाइपर मिशन। इस आज अपन इसको कंप्लीट करेंगे 57 को, और जो आगे आने वाली जो पीडीएफ है उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा। साइंस एंड टेक की अपडेटेड पीडीएफ है। एक लेक्चर आपका साइंस एंड टेक का और लगेगा, तो अपने 3 लेक्चर हो गए हैं, एक और, उसके बाद आपकी साइंस एंड टेक 1.5 साल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जैसे नासा का वाइपर मिशन के अपन बात करते हैं, अपन ने याद भी ऐसे ही किया था कि वाइपर हम कहाँ लगा रहे हैं, मून पे। ठीक है, तो मून पे इन्होंने वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए जो डिस्कवरी है उससे रिलेटेड ये मिशन है। अब वाटर सरफेस पे भी मिल सकता है, सब सरफेस पे भी मिल सकता है, तो ये दो हमारे मेजर रहेंगे। कब है ये? 2023 में ये इसको लॉन्च करना चाहते हैं। वाइपर दो मार्कर में पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, इट इज वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। पोलर का मतलब क्या है? जैसे हमने चंद्रयान देखा था वैसे ही पोलर में ये साउथ पोल को ऑब्जर्व करेगा, तो वो अपना मेन पॉइंट यहां पे हो जाएगा कि भाई साउथ पोल के ऑब्जर्वेशन के लिए आपका है। ठीक है,
तो साउथ पोल वाटर रिसोर्सेज अलग अलग की बात चलेगी। देखो जब भी अपना ये रहता है तो कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मिशन है तो उसमें अपन वाटर लाइफ, ठीक है, यूनिवर्स, इवोल्यूशन, ये तीन चार कॉमन पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि इनको ही ऑब्जर्व करने के लिए हम जाते हैं। अदर देन आप एटमोस्फेयर की भी बात कर सकते हो, और जो हमने आर्टिमिस मिशन देखा था जिससे अपन इसको लिंक कर रहे थे, ठीक है, मार्स वाले से, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ये पहला रिसोर्स मैपिंग मिशन है ऑन एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी। इसमें आइसिस है, पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, ये सारे के सारे देखेगा। रोबोट जो है वो लैंड कहां पे करेगा, साउथ पोल पे लैंड करेगा 2023 में। 100 दिन का ये मिशन है। इसके जो साइज है 5 फीट × 5 × 5 430 किलोग्राम का है, सरफेस और सबसर्फेस। सरफेस मतलब जो मून का ऊपर वाला जो सरफेस है उस पर भी डिटेक्ट करेगा, और नीचे वाला थोड़ा सा जो सरफेस है उस पर भी डिटेक्ट करेगा। अब मून की सोयल एनवायरमेंट देखो, उसको तो कर ही रहा है, तो वहां की जो सोयल है उसको भी ये देखेगा। फिर जो भी डाटा वगैरह इसने वहां से कैप्चर किए उनको अर्थ पे भेजेगा, जिनको स्टडी करके हमें पता चलेगा कि भाई हमें मतलब वहां पे क्या अवेलेबिलिटी है, किस तरीके की अवेलेबिलिटी है, क्या उसकी नेचर है, और उस हिसाब से ही आगे अपन प्रोसीड करेंगे। जो फ्यूचर वाले जो मिशन होंगे उनको ये गाइड करेगा, ठीक है। तो ये कॉमन पॉइंट्स रहेंगे, इनको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। फ्यूचर लैंडिंग जो आर्टिमिस प्रोग्राम है जो अपन ने देखा था, आर्टिमिस हमारा कब शुरू हो रहा है, 2028 में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। विकास, गुड आफ्टरनून विकास, विकास काफी दिन बाद ज्वाइन हो रहे हैं यार। चलो देखो ये हो गया, अब इसमें इतनी ही तीन चार बातें आपको लिखनी है दरअसल। अब हम आते हैं आगे, देखो निसार मिशन। निसार अपन ने जैसे इसकी फुल फॉर्म ही थी, नासा और इसरो का अपर्चर रेडार, ARS अपर्चर रेडार, एन फॉर नासा इसरो। बेसिकली एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ में इसको आपको बता देता हूं, नासा और इसरो का एक कंबाइंड मिशन है। कुछ कंपोनेंट नासा सप्लाई कर रहा है, कुछ कंपोनेंट इसरो सप्लाई कर रहा है। अभी अपन देखेंगे कौन से, जिसमें से जो लॉन्च व्हीकल वाला कंपोनेंट है वो इसरो की तरफ से आ रहा है। यानी एक कंबाइंड मिशन है जिसमें दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इनका मेन काम क्या रहेगा, तो ये आपके अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए ही काम आएगा कि भाई उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, कंटूर में जो चेंजेस हो रहे हैं, वेरी फाइन ऑब्जर्वेशन ये देखेगा। 3 साल का मिशन है, तो एक टाइम स्केल पे भी अपन इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरीके से चेंजेस होते हैं, किस तरीके से क्या रहता है, ठीक है। ओके विकास, कोई नहीं। देखो अब ये इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार 2023 में लॉन्च होगा नियर पोलार ऑर्बिट। जो हम LEO, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं, वहां पर पोलार ऑर्बिट में यह लॉन्च होगा, और हर 12 दिन में एक बार ये स्कैन करेगा पूरे के पूरे अर्थ को। और कितने साल का है, 3 साल का मिशन है, सिंपल अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन। देखो अर्थ को जब भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो हमें क्या देखने को मिलेगा, सोयल कैसी है, वाटर बॉडीज कैसी हैं, फॉरेस्ट कैसा है, माइन एंड मिनरल कहां है। तो इसकी एप्लीकेशन, मल्टीपल एप्लीकेशन है इन्हीं सब में, ठीक है, कि कौन सी चीज कहां पे मिलेगी। रिसोर्स एक्सप्लोरेशन में यह हमें हेल्प कर सकता है, कम्युनिकेशन में नहीं करेंगे। जो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है वो कम्युनिकेशन में हेल्प नहीं करते, जो कम्युनिकेशन वाले हैं वो ऑब्जर्वेशन में उतना हेल्प नहीं करते, ठीक है। तो एक मेजर डिफरेंस जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। देन देखिए अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है नासा और इसरो का, एंड इसमें पोलर जो क्रायोस्फीयर है आपका, इंडियन ओशन रीजन है, इनको ये मेजरली ऑब्जर्व कर रहा है। क्रायोस्फीयर आपको पता होना चाहिए, जहां पे आपकी आइस जो हमारी होती है वो, उसको अपन क्रायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑल वेदर सैटेलाइट है, किसी भी वेदर में अपन इसको ऑब्जर्व करें, देखने कर सकता है। इसकी जो रेजोल्यूशन ऑफ इमेजेस है, क्वालिटी ऑफ इमेजेस है, वेरी वेरी हाई, ठीक है। ये सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, और अर्थ कैसे बदल रही है, SUV के साइज का एक सैटेलाइट है, मूवमेंट आपकी सरफेस की डिटेक्ट कर रहे हैं अप 2.4 इंचेस, और एक एरिया जो आपके टेनिस कोर्ट का, यानी छोटा सा भी जो एरिया है उसमें भी 0.4 इंचेस के ऊपर नीचे की जितनी भी वेरिएशंस हो रही है, मतलब टू मच ऑफ डिटेल्स आपको मिलेंगी। हर 12 दिन में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, चेंजेस का आप पता चला पा रहे हो, तो उसमें ये फिर क्या है कि अपनी तरफ से अगर अपने को कोई इंटरवेंशन करनी है मान लो, तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। कहां पे पर्टिकुलर चेंजेस हो रहे हैं, हम उसको रिलेट कर सकते हैं उस डाटा से कि उसके पीछे रीजंस क्या है, हम कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उस चेंज के पीछे की रीजन और वो चेंज फर्दर ऑन किस चीज को लेकर लीड करेगा, ये दोनों चीजें अपन बता सकते हैं, तो ये हमारा रहेगा, ठीक है। मिशन के गोल्स क्या हैं, देखो सिंपल अर्थ की सरफेस को देखेगा, वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह उनके वार्निंग साइन वगैरह भेजेगा, ग्राउंड वाटर नीचे वाला भी जो है सरफेस और सब सरफेस, तो ग्राउंड वाटर की सप्लाई कितनी चल रही है उसको भी बताएगा, आइस शीट जैसे मेल्ट हो रही है उसको भी बताएगा, ठीक है।
तो ये कॉमन चीजें हैं, इनको आप उसी तरीके से मेंशन करेंगे, तीन चार पॉइंट बना के मेंशन करेंगे, और बाकी जो मैंने आपको बता दिया था जैसे कि फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर एरिया है, माइनिंग एरिया है, इनको ऑब्जर्व करना, वाटर रिसोर्सेज को ऑब्जर्व करना, दीज आर द कॉमन थिंग्स। अब देखो पार्टनरशिप में नासा कुछ प्रोवाइड करा रहा है, इसरो कुछ प्रोवाइड करा रहा है। नासा जैसे रडार्स प्रोवाइड करा रहा है, हाई रेट कम्युनिकेशन सब सिस्टम, जीपीएस रिसीवर, पेलोड डाटा सब सिस्टम, एटलीस्ट सारी चीजें याद नहीं तो कि भाई जीपीएस क्योंकि नासा का ही है, यूएसए का है, तो नासा प्रोवाइड करा रहा है जीपीएस का सिस्टम, इसरो प्रोवाइड करा रहा है लॉन्च व्हीकल, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बारे में अगर अपन देखें, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये बेसिकली क्या है, मतलब आपका एक सेंसर सिस्टम है जो हमें डाटा लाके दे रहा है, ठीक है, कि वहां पे क्या है क्या नहीं है, जो भी हम अर्थ ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ एक्टिव डाटा कलेक्शन, जहां पे सेंसर जो है वो खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एंड रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द अर्थ, ठीक है, मतलब वो ऊपर जो रेडार लगा हुआ है वो खुद की भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और कितना लॉस हो रहा है उसको भी मेजर कर रहा है। इमेजेस बहुत ही ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की मिलेंगी, मतलब माइन्यूट से माइन्यूट ऑब्जर्वेशन अपन कर सकते हैं। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस का मतलब क्या है कि प्रिसाइज, प्रिसीजन बहुत हाई रहेगा, तो हाई प्रिसीजन के कारण ही जो आप डाटा है इसमें हम क्लाउड्स, उसमें कितनी डार्कनेस है, उन सब चीजों को हम इसमें पता लगा सकते हैं। ऑप्टिकल इमेजिनरी जो है इज सिमिलर टू इंटरप्रेटिंग फोटोग्राफ, मान लो कोई भी आपको वहां से इमेज मिली है वो अपन फोटोग्राफ की तरह ही कंपेयर कर सकते हैं। लेटर ऑन आप उसकी 3D इमेजेस भी बना सकते हो, जैसे 2D को बार बार अपन करके बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब कॉमन सी इसमें देखो ये एस बैंड, SR, ये हमें ध्यान नहीं रखना, बट हाँ अर्थ ऑब्जर्वेशन, एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग, इसमें ये हमारा काम आएगा। 2015 में नासा और इसरो ने इस बारे में डील करी थी, ये ईयर भी आपको याद रखना है, ठीक है। रेनु गुड आफ्टरनून एंड संजू जय हिंद। चलो देखो अब हमारा नेक्स्ट आ रहा है कि रडार, निसार है आपका लार्जेस्ट रिफ्लेक्टर एंटीना अभी तक जो नासा ने लॉन्च किया है। लार्जेस्ट होने के कारण ही हम इसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अब देखो सब में कुछ बैंड्स होते हैं, यहां पे भी आपके मिशन सैटेलाइट जो आपका जैसे रडार जो भी हम रेडिएशन भेज रहे हैं ऑब्जर्व करके दोबारा से वापस आ रही है, जैसे अपन रेडार इमेजिंग करते हैं, लिडार इमेजिंग करते हैं, लिडार भी आज अपन देखेंगे, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, तो उसमें जो भी अपने पास प्रॉब्लम रहती है तो उसके हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे दो आपके बैंड रहते हैं, एल बैंड एंड एस बैंड, तो ये अप टू सेंटीमीटर तक की जो भी चेंजेस होते हैं उनको मेजर कर लेते हैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। सिंपल देखो एप्लीकेशन हर फील्ड में, क्या हम फ्लड का फोरकास्ट कर सकते हैं, कहां पे सूखा है, देखो जितनी चीजें मैंने बताई वो सारी इसी से लिंक होंगी, फ्लड, वाटर, ऑयल स्पिल्स, मैराइन हजार्ड, सोयल का मॉइस्चर, फॉरेस्ट कितने हैं, ग्लेशियर्स, आइस सील, नेचुरल डिजास्टर की मैपिंग, ठीक है, कहां पे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो उसकी भी मैपिंग अगर करनी हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की भाई कितना नुकसान हुआ उसको ऑब्जर्व करना, उसको बताना, तो ये सारी चीजें हमारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अगला जो हमारा है दैट इज लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, टॉपिक नंबर 18। निसार का समझ में आ गया, निसार की तीन चार पॉइंट्स बताइए, आई जस्ट वांट प्लीज कमेंट, आई एम वेटिंग 20 seconds, 30 seconds, उसके पॉइंट बताओ, अगर निसार क्वेश्चन में आता है तो आप क्या क्या लिखेंगे। तब तक चाय पी लेते हैं एक दो घूंट। ठीक है रवि, एल एक्स बहुत सारे मेंशन कर सकते हैं, अलग 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 अपने अपन एस और एल बैंड के बारे में भी बात कर सकते हैं। यस राइट भारती, प्रवीण, ठीक है, चलो ठीक है, मोटे मोटे तौर पे अपन ने सारा का सारा तो डिस्कस कर ही लिया काफी डिटेल में। अब देखो लाइट डिटेक्शन एंड
रेंजिंग, कोई भी इसमें ज्यादा बड़ा तो है नहीं, रडार तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं। बेसिकली हमारे जैसे रडार सिस्टम में क्या है कि आपके पास एक सोर्स है जहां से रेडिएशन हमारी आ रही है, रेडिएशन ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आपके रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पे एक रिसीवर होता है, ठीक है। तो वो जो रिसीवर है कितने टाइम पीरियड में ये आई, ठीक है, तो हमें स्पीड पता है, टाइम पता है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको स्पीड पता है लाइट की और टाइम पता है, तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। तो इस प्रिंसिपल पे ये सिंपली काम करता है, रडार वाले ही प्रिंसिपल पे। बट इसमें हम यूज क्या करते हैं, लाइट को यूज करते हैं। लाइट को यूज करने के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, वो सारी की सारी चीजें अपने को इसमें देखनी है, ठीक है। अब ये है क्या, बेसिकली 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ MoEFCC ने जो हमारा है कि जो वाटर रिक्वायरमेंट है फॉरेस्ट एरिया की, उसको डिटेक्ट करने के लिए। देखो चीजें सेम ही हो रही है कि आपके पास रेडिएशन जा रही है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि वहां पे क्या है, किस तरीके से है, जैसा अपना अपर्चर रडार वाला था, ठीक है, 12 hours 0.4 inches ऊपर वाले, ठीक है, ठीक है, ओके विकास। अब इसमें ये सारे की सारी चीजें सिंपल, ऑब्जर्वेशन, उसके डिस्टेंस, उसके इमेज क्रिएटिंग। अब इसमें जनरली अपन क्या करते हैं कि एरोप्लेन हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, उसको रखेंगे, एक लाइट का आपके पास सोर्स होगा, लाइट नीचे की तरफ जाएगी, वो दोबारा से रिसीव होगी सेम, ठीक है। अब इसमें दो तरीके से मेजरली ये रहता है, या तो आप टेरेस्ट्रियल करते हो यानी अर्थ के ऊपर वाले सरफेस पे, या आप बीनीथ द वाटर भी इसको यूज करते हैं। रडार मोस्टली जैसे ज्यादातर अपन देखते हैं बीनीथ द वाटर ज्यादा काम आता है, रडार सिस्टम, सोनिक सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा दोनों ही उसमें रहेगा। तो ये है मोटे मोटे तौर पे। अब यहाँ पे MoEFCC ने किया था इसलिए ये न्यूज में था, और गुजरात गवर्नमेंट ने भी कहा था कि ड्रोन बेस्ड एरियल डिटेक्शन ये लोग करना चाहते हैं। लिडार जो सर्वे रिपोर्ट है, ठीक है, ये बता रहे हैं कि इसको अपन यूज करेंगे, जैसे मान लो ग्राउंड वाटर आपने डिटेक्ट किया, नंबर वन। सेकेंड, अगेन जैसे ही अपन डिटेक्ट करते हैं तो उसमें चेंज भी ऑब्जर्व कर सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड, जैसे ही आप चेंज को ऑब्जर्व करते हो आपको पता चलेगा कि क्या उसके पीछे के कारण हो सकते हैं। फोर्थ, उन कारणों से हम उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करा सकते हैं कि इसको कैसे अपन ऑगमेंट भी कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर सोर्सेज। अभी मेजरली उसके लिए ही अपन इसको यूज करना चाहते हैं। आप एक 3D इमेज बना लोगे, रिकमेंड कर सकते हैं सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, कि ऊपर वाला सोयल। अब सोयल में आप सारी चीजें कि भाई ऊपर है, नीचे है, सोयल इरोजन हुआ है, वाटर है, वाटर में वाटर लेवल अप डाउन, सारी चीजें अपन आराम से देख सकते हैं इमेजिंग के थ्रू, इमेजिंग 3D कंस्ट्रक्शन। अब क्या ये सारे स्टेट्स में है? नहीं, ये आपके आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा और मध्य प्रदेश, MP, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सब में चलेगा। आपको काम यही करना है, सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए इसको अपन यूज करेंगे कि भाई कहां पे पानी था, कितना पानी था, रिचार्ज हुआ नहीं हुआ, कितना पानी रन ऑफ होके चला गया, कितना सोयल इरोजन हुआ, ये सारी की सारी चीजें। अभी रिसेंटली 18 करोड़ इसके लिए अप्रूव करे गए हैं। और एक और चीज जिसके लिए ये न्यूज में चल रहा था कि गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसके जो आसपास वाला जो एरिया है उसको पहली बार हम लिडार टेक्नोलॉजी से मॉनिटर करना चाह रहे हैं, तो मे बी इट कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो लिडार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मैपिंग विद लेजर प्रिसीजन, इसमें इवन जो क्रैक्स हैं छोटे छोटे, देखो कॉन्टोर, नेचुरल स्ट्रक्चर कैसी रहेंगी, बिल्डिंग्स कैसी रहेंगी, क्रैक्स, अगर छोटे छोटे कोई क्रैक भी अपने को मिल रहा है उसको भी अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो मतलब काफी प्रिसाइज इसमें। उसके अलावा आप जैसे नेचुरल स्ट्रीम्स हैं उनको देख सकते हो, फॉरेस्ट कवर है, रोड कैसा है, यूटिलिटी लाइन, एरिया बाउंड्रीज, ठीक है, जो भी एक सिंपल सी बात है, एक फोटो की तरह काम करेगा, फोटो ली आई और उसको 3D रिकंस्ट्रक्शन कर लिया बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, यही है। तो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं लिडार, लिडार की फुल फॉर्म क्या है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। हम भेज क्या रहे हैं, लाइट वेव्स, फिर भेजने के बाद उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, वापस से डिटेक्ट हुई, फिर हम रेंज कर रहे हैं यानी डिस्टेंस बता रहे हैं कि उसको डिटेक्ट कितनी देर में किया गया, तो अपना डिस्टेंस भी अपने को पता चल गया। ये सारे के सारे हो जाएंगे। तो इसमें लाइट अपन यूज कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रिटर्न किस पे होगी, रिसीवर पे। इसकी एक्यूरेसी, प्रिसीजन, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा आई है। प्रिंसिपल वही है जो सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था, लाइट जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, आएगी एंड यू विल रिसीव इट। उसके बाद दो टाइप की रहेंगी, टोपोग्राफिक जो आपका सरफेस पे है, एंड देन बैथीमेट्रिक, ये आप मेंशन कर सकते हो, बैथीमेट्रिक इज बिलो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो ओशन में सबसे नीचे हमारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, या उस नीचे वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से आपका बोला जाता है, बताइए। ये हो गया, आई एम वेटिंग।
6 सेकंड्स बताओ। सिंपल वर्किंग ऑफ लिडार में कुछ नहीं है, आप एक डायग्राम से सिंपल बता सकते हो, रिफ्लेक्शन पे काम करता है और डिटेक्शन पे, दैट्स इट, सिंपल प्रिंसिपल। एप्लीकेशंस क्या रहेंगे, देखो हर चीज, अगर आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आप मॉनिटर भी कर पा रहे हो, मॉनिटर कर पा रहे हो तो आप कारण भी ढूंढ पाओगे, कारण ढूंढ पाओगे तो उनको सॉल्यूशन भी दे पाओगे, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन जो हमारी है 3D में हो रही है, गुड एनफ, ठीक है। बेंथोस, एब्सोल्युटली राइट, भारतीय विकास, ठीक है बेंथोस, ठीक है। देखो अब इसमें 3D रिप्रेजेंटेशन हम सबकी बना सकते हैं, टेरेस्ट्रियल, एयरबोन, मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से, उसमें चेंजेस को भी नोट डाउन कर सकते हैं। हाई रेजोल्यूशन हमें मैप्स बन सकते हैं, तो जिनको अपन जियोडेसी, जियोमैटिक्स, आर्कियोलॉजी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, जियोमॉर्फो, एटमोस्फेरिक फिजिक्स, फॉरेस्ट्री, सिस्मोलॉजी, मतलब अलग अलग फील्ड में जो भी हमारी फील्ड आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड है उसमें अपन इसको यूज करके डेफिनेटली यूज कर ही सकते हैं, क्योंकि चेंजेस को ही दिखाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो यूज इन कंट्रोल एंड नेविगेशन फॉर सम ऑटोनोमस कार्स ऑल्सो, जैसे मान लो कार है, कार के चारों तरफ रेडार सिस्टम की बजाय लिडार सिस्टम, इस पे भी काम किया जा रहा है, तो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो कि भाई मान लो जल्दी आए तो मान लो आसपास कार के कोई है, क्या हम इससे स्मार्ट व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो इसमें भी यूज किया जा सकता है। और यहाँ पे अपन एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर से ऊपर से नीचे की तरफ लाइट फेंकते हैं और करते हैं, एक वैसे इमेज भी थी जो अपन ने देखी थी, ठीक है। यस रवि, राइट बेंथोस, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ये अपना हो गया। अब हमारा आ रहा है नेक्स्ट इज गगनयान मिशन। देखो गगनयान आपका पूछा जा सकता है, एक तो सबसे पहले मैं ब्रीफ ओवरव्यू देता हूं गगनयान का, फिर ये काफी डिटेल्ड में कवर्ड अप है, उतना डिटेल में वैसे मतलब बस समझने के लिए है, आपको ध्यान रखना है, सारी की सारी चीजें तो नहीं पूछी जाएंगी। देखो नाम क्या है, गगनयान, हम कहां जाना चाह रहे हैं, गगन में, यानी स्पेस स्टेशन। आप एक इंडिया का खुद का इंडिजीनियस स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हो, तो बनाना चाह रहे हो, कैसे पहले भी बनाया है, यस इंडिया फोर्थ कंट्री रहेगी जो इंडिजीनियस इसको डेवलप करना चाहती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास इसकी एक्सपर्टीज है, ठीक है, तो इसमें हम अभी जैसे मान लो जो भी स्पेस स्टेशन है उसको मैनेज करने के लिए रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसके लिए हमें ग्राउंड वाटर, सॉरी ग्राउंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना चाहता है जो कि रिले का काम करेगी। मान लो कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है वो वहां पे अपन ने ली और उससे फिर अपन इसको बेटर तरीके से मैनेज कर पा रहे, ठीक है। तो ये आपका 2023 के हिसाब से किया गया था, 2022 पे करा गया था पहले, तो कि भाई 75 ईयर्स होने पे हम इसको लॉन्च करेंगे। कोरोना के आने के कारण एक साल और डिले हो गया, 2023 में ये आपका आएगा। इसमें मेजरली यहाँ पे तीन तरीके से ये चलेगा, जैसे शुरू के जो दो हैं वो अनक्रूड फ्लाइट्स रहेंगे, पहले में फ्लाइट जाएगी, दूसरे में जो हमारा व्योमित्रा है जो अपन ने देखा था, एक रोबोट जो आपका आदमी जैसा है वो जाएगा, उसमें किस तरीके के चेंजेस आते हैं, क्या आते हैं, वो सारी चीजें वो ऑब्जर्व करेंगे। थर्ड स्टेज में जो अपना आएगा वहां पे हम ह्यूमंस को लेके जाएंगे ताकि अपने को पता चले, ठीक है। अब मान लो कोई भी ह्यूमन है वो मान लो स्पेस में जा रहा है तो वहां पे चेंजेस भी होंगे, ग्राउंड पे है तो वो, और स्पेस में है तो स्पेस में जो भी डायनामिक्स है, ग्रेविटी है, जो चेंजेस आ सकते हैं उन्हीं चेंजेस को हम यहां पे अब इंप्लीमेंट करके देख रहे हैं कि किस तरीके से हो सकता है। तो इससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्रिएट करी गई हैं, जो ट्रेनिंग है हमारे क्रू मॉड्यूल को वो दी गई है, ठीक है। तो वो सारी चीजें अभी अलग अलग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, 2023 तक अपना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो वो तो सारी चीजें होगी, अब मान लो हम वहां पे पहुंच गए, पहुंचने के बाद यही जो मिशन है हमारा गगनयान, ये हमें आगे आने वाले मिशन के लिए भी कि भाई क्या हम यहाँ पे एक स्टेबल स्पेस सिस्टम बना सकते हैं, स्पेस सिस्टम उसके लिए हमें प्रमोट करेगा, अगर आप बना सकते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। और बाकी भी जो डेवलपमेंट्स हैं स्पेस से रिलेटेड उसमें भी हेल्प करेगा, कमर्शियलाइज आप इसको ज्यादा से ज्यादा करा सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशंस बहुत हैं, तो उसी वजह से जितनी भी स्पेस की एप्लीकेशंस हैं अगर आप इसमें सेल्फ सफिशियंट बन गए तो आपको दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा, आपके जो दूसरे सैटेलाइट्स हैं उनपे कुछ करना है, रिसर्च कुछ करनी है, आप इंडिपेंडेंटली आराम से कर पाओगे एज ए नेशन, ठीक है। तो ये हमें कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा ऊपर लेके जाएगा, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। नाउ कमिंग, इसको अपन थोड़ा सा सारा का सारा देख लेते हैं कि कहां तक क्या हो चुका है और आगे अपन इसमें क्या क्या मेंशन कर सकते हैं, पॉइंट क्या बन सकता है, गगनयान मिशन एंड इट्स एप्लीकेशन, चैलेंजेस क्या रहेगा, कब तक रहेगा, क्या है, कब तक आएगा, क्या एप्लीकेशन है, किस तरीके से काम करेगा, सारी चीजें अब अपन देखते हैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में। देखो ऑस्ट्रेलिया
सपोर्ट कर रही है इंडिया के गगनयान मिशन को बाय ट्रैकिंग इट थ्रू कोकोस कैलिंग आइलैंड। अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने साइन किया है, ठीक है, कि ये ऐसा अपना रहेगा। देखो सैटेलाइट्स जो ऑर्बिट में होते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को पास ऑन नहीं कर सकते टू द ग्राउंड स्टेशन ऑन अर्थ, अगर उसके पास एक क्लियर व्यू नहीं है ऑफ द ग्राउंड स्टेशन। इंडिया में वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ऑस्ट्रेलिया में वो क्लियर व्यू है, तो ये इंफॉर्मेशन भेजेगा उसके पास, वो भेजेगा फिर हमारे पास, या फिर हम वहीं पे ही अपना मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का हमारा ये जो हेल्प रहेगी ये है आपकी, किससे, कैलिंग आइलैंड के थ्रू, इसलिए ये न्यूज में था, ठीक है। डाटा रिले जो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, रिले मतलब डाटा को अपन जब भेजते हैं जो रिले हो रहा है उसके लिए ये यूज करे जा रहे हैं कि भाई जो भी सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन है वो डाटा रिले सैटेलाइट्स के थ्रू आपके अर्थ पे आएगी, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं उन्हीं को करने के लिए हम कोकोस कैलिंग आइलैंड पे कम कर रहे हैं। देखो अब इसमें जो चीजें हमने कंप्लीट कर ली है वो देख लेते हैं। देखो द क्रू हैज कंप्लीटेड द फॉरेन लैग ऑफ देयर ट्रेनिंग, तो ये रशिया में गए थे तो इंडियन एयरफोर्स के 4 मेंबर थे, अभी पता नहीं है कौन थे, बट इन्होंने अपनी फॉरेन ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है रशिया में। यहां पे स्पेशली जो वेटलेसनेस वाले जो हमारे ट्रेनिंग थे जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो भी इन्होंने कंप्लीट कर ली है। 25 से 30 सेकंड तक का ज्यादा तो नहीं कर पाते बट हो गई, ठीक है। स्पेशल सर्वाइवल ट्रेनिंग इनको दी गई है, मान लो ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है, तो मान लो क्रैश हो गया या फेलियर हो गया मिशन का, तो हो सकता है कि वो सी पे लैंड कर जाएं, डेजर्ट में लैंड कर जाएं, फॉरेस्ट में लैंड कर जाएं, तो वहां पे कैसे किस तरीके से सर्वाइव करना है वो ट्रेनिंग भी आपके क्रू को दी जा चुकी है। देन इसरो कंडक्ट क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ द क्रायोजेनिक इंजन ऑफ द गगनयान मिशन, क्योंकि क्रायोजेनिक जो इंजन है हमारा, ठीक है, उसकी थोड़ी सी रिलायबिलिटी ज्यादा रहती है, तो रोबस्टनेस ऑफ मिशन की भाई अच्छे तरीके से हम इसको अचीव कर पाए, तो उसके लिए क्रायोजेनिक वाले की भी टेस्ट हो चुकी है। विकास इंजन भी इन्होंने फायर किया है दैट विल पावर गगनयान मिशन टू द स्पेस, तो हमारा जो विकास है विकास ही लेके जा रहे गगनयान को स्पेस में, तो ऐसे भी ध्यान रख लेना, ठीक है। तो विकास इंजन भी आपका रेडी हो गया है, विकास इंजन भी आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने लेवल पे हल्का फुल्का देख लेना, बाकी गगनयान से आप इसको रिलेट कर लेंगे, इसमें और कुछ है नहीं। देखिए फिर फर्स्ट अनक्रू मिशन टू हैव अनप्रेशर्ड क्रू मॉड्यूल, मतलब जिसके अंदर ये रहेंगे तो वहां पे अनप्रेशराइज्ड कंडीशंस में अर्थ लाइक कैसे कंडीशन बनाई जा सकती हैं वो भी इन्होंने अचीव कर लिया है। ऑल्सो एक टेस्ट है HS-200 टेस्ट, एक टेस्ट कंप्लीट किया है जो कि स्टैटिक टेस्ट ऑफ ह्यूमन रिलेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर, ठीक है। तो ये बेसिकली जो टेस्ट है ये है टू सी द वीक स्पॉट्स इफ एनी इन द रॉकेट टू बी लॉन्च्ड। इसको जब अपन करेंगे तो इसमें अगर कुछ भी वीक स्पॉट्स हैं अभी अपन उसको पता कर लें, डिटेक्ट कर लें, ताकि बाद में आगे वो दिक्कत ना आए, ठीक है। कहां पे करा गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में ये लॉन्च किया गया है। ऑल्सो सेफ्टी के लिए ये सिमुलेट कर रहे हैं फेलियर को, अबोर्ट मिशन इसको अपन बोल रहे हैं। अबोर्ट मिशन में क्या हुआ, मान लो एकदम से अबोर्ट हो गया, मिशन फेल हो गया, उस कंडीशन में कैसे हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, उस चीज के लिए ये बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा, तो इन्होंने प्लान किया था टू लॉन्च 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट टू द स्पेस दिस ईयर, ये हमारा डिले हो गया है। तो इसरो जो है कंडक्ट करेगा 2 अनमैंड अबोर्ड मिशन, एक सितंबर और एक आपका दिसंबर में। देखो इसी के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है, देन इट बिकम्स ऑलमोस्ट 100% पॉसिबिलिटी कि ये सवाल आपका आ सकता है गगनयान मिशन 2 नंबर में 5 नंबर में। देखो अब यहां पे इसरो डॉक्टर्स की भी हेल्प ले रही है जिसमें ह्यूमन रिलेटेड स्पेसक्राफ्ट आप डेवलप कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि भाई स्पेस में जाने के बाद ह्यूमंस पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, ताकि उनको पहले ही सिमुलेट करके हम उसी हिसाब से ट्रेन कर सके, ठीक है। ऑल्सो एक गोवा की फर्म है जो सप्लाई कर रही है की कंपोनेंट इसके, इसका नाम है प्लेरी बेस्ड कीनो किनोकैमन कंपोजिट, ये नहीं बस अपना इतना ही ध्यान रख सकते हैं। और ये जो गगनयान मिशन है टेक्स अनदर स्टेप इनटू एक्वायरिंग क्रू मॉड्यूल फेयरिंग, मतलब हम उसको तैयार कर रहे हैं आगे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एस्केप सिस्टम, मान लो कुछ भी अगर गड़बड़ होती है तो आपको अगर निकलना पड़ता है, एस्केप करना पड़ता है, बचना पड़ता है, तो कैसे तैयार होना है वो भी यहाँ पे इन्होंने रेडी कर लिया है। हम ये देख रहे हैं, ये सारी चीजें ध्यान नहीं रखनी, बट एटलीस्ट जिनके बारे में मैं बता रहा हूं सिंगल लाइनर वन वन लाइन आप अपने दिमाग में रखें ताकि उनको मेंशन किया जा सके इफ नीडेड। तो ये जो CMF है, ठीक है, CMF क्या है आपका, क्रू मॉड्यूल फेयरिंग, ठीक है। तो इट इज बेसिकली अ प्रोटेक्टिव
स्ट्रक्चर जो कि प्रोटेक्ट कर रही है अगेंस्ट द डायनेमिक प्रेशर एंड द एरोडायनेमिक्स हीटिंग। मतलब आप जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, प्रेशर वेरिएशन हो रहे हैं, फ्रिक्शन के कारण हीटिंग भी होती है, तो उन दोनों में वेरिएशन की वजह से जो क्रू है, जो चीजें फील करता है, उनको प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में इसके थ्रू अपन बचाते हैं, ठीक है, सीएमएफ। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। 2024 तक अभी डिले कर दिया गया है, क्योंकि अपन ने देखा 2022 में आप लॉन्च करने वाले थे बिकॉज ऑफ कोरोना, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी सेफ्टी और ये सब अपने को एंश्योर करना है। नाउ अबाउट गगनयान, ये एक LEO आपका मिशन रहेगा, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, फर्स्ट इंडिया का एम्बिशियस ह्यूमन स्पेस मिशन है, 3 इंडियन को लेके जाएगा, मेडन है, फर्स्ट है, ठीक है, फोर्थ नेशन रहेगा आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। तो इसमें 2 अनमैंड जाएंगे बिना आदमी के, तीसरा जो है वो मैंड मिशन जाएगा, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें देखिए क्रू एस्केप सिस्टम परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं जीवन से, जो कि शेड्यूल्ड है इन द बिगिनिंग ऑफ द 2022 यानी सितंबर के आसपास अभी बात हो रही थी, वैसे तो फर्स्ट हाफ में था बट हो गया, ठीक है। सेकंड अगेन 2022 में, जिसमें व्योमित्रा हमारा जाएगा, ठीक है, जो एक बीच की कड़ी होगी कि भाई ह्यूमन जैसी भी और वैसी मशीन भी, तो ये हो गया। उसके बाद 2023 में आपका मिशन जाना था, जो अभी थोड़ा सा हमारा डिले हो गया, क्रूड मिशन 2023 वाला, जो अभी कब जाएगा 2024 में। तो इससे एक हमारा देखो, ये जो है अगर जैसे ही आप गगनयान को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, इट इज लाइक नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कि ह्यूमंस को स्पेस में सस्टेनेबल तरीके से कितने दिन तक रखा जा सकता है। इस मिशन में इन्होंने टारगेट रखा है कि हम 1 वीक तक उनको वहां पे कैसे मैनेज कर सकते हैं, रख सकते हैं, एंड ब्रिंग देम बैक टू अस। तो ये इसी तरीके से देखेंगे। स्टेटस क्या है, 75 ईयर पर मैंने देखा था, ये मैंने आपको बता दिया है, लेटर दिस ईयर रहेगा, तीनों चीजें वही है, 2 अनक्रूड एंड LEO में रहेगा, 400 किलोमीटर पे रहेगा, हम उनको 1 वीक तक रखेंगे, वापस लेके आएंगे। 2 लैंडिंग ऑप्शन अभी अपने पास चल रहे हैं, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, इसमें से कभी अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। अब इसके जो कंपोनेंट है, कई नई टेक्नोलॉजी कंपोनेंट है इसके, देखो नंबर 1 ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल, ठीक है भाई, क्रू एस्केप सिस्टम उनको एस्केप करने के लिए, हैबिटेबल ऑर्बिटल मॉड्यूल जिसमें वो रह सके, एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्रू की सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ये सारे के सारे लगभग हो गए हैं। इसमें जो आपका जैसे ऑर्बिटल मॉड्यूल है, ठीक है, ये ऑर्बिट करेगा अर्थ को 7800 मीटर पर सेकंड यानी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड घंटा की स्पीड से, प्रति सेकंड की स्पीड से, एंड विल बी लॉन्च्ड बाय ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल, जो कि एक मॉडिफाइड वर्जन है GSLV Mach 3 का, ठीक है। तो इतना ध्यान में रख लेना थोड़ा थोड़ा, किससे लॉन्च कर रहे हैं, कहां तक लॉन्च कर रहे हैं, कब तक लॉन्च कर रहे हैं, 2 अनक्रूड है, 1 क्रूड मिशन है, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, चैलेंजेस क्या है, ये सारी बातें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। देखो गोल्स क्या है, सबसे पहला तो कोई भी कंट्री अगर ऊपर तक जा रही है, तो हम मान लो स्पेस में जा रहे हैं, तो पहले तो आप अपनी कैपेबिलिटीज दिखा रहे, ठीक है। सेकंड मतलब वो चीजें रेडी हो गई तो फ्यूचर के जो मिशन है उसमें हेल्प करेगी, ठीक है। थर्ड आपकी जो इमेज है एज एन इंस्टीट्यूशन वो इंक्रीज होती है, एज अ कंट्री वो ग्रो करती है, आप ग्लोबल लीडरशिप प्रोवाइड करा सकते हैं इन स्पेस, ठीक है। हमारे तो वैसे ही बहुत ही कम कॉस्ट पे अपन कंडक्ट कराते हैं, तो उस वजह से भी एक हमारे पास ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। जैसे आपको याद है MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन जो अपन ने भेजा था मोम वाला, ठीक है, तो उसको कंपेयर करा जा रहा था कि जो 1 किलोमीटर रिक्शा जो चलता है उसमें जो भाड़ा लगता है, उतने ही भाड़े में हमने मंगल पे अपना स्पेस सैटेलाइट भेज दिया, ठीक है, MOM। तो वो सारी बातें यहां पे रहेंगी। तो ये हमारा हो गया है, ठीक है, एंड इट विल ले द फाउंडेशन ऑफ द सस्टेन्ड, ये अपन ने देख लिया। बेनिफिट क्या है, देखो साइंस एंड टेक को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, डेफिनेटली, मतलब एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट यहां पे हो रही है। सेकंड जो नए स्टार्टअप्स हैं, प्राइवेट स्टार्टअप्स आ चुके हैं स्पेस और टेक्नोलॉजी में, उनको ग्रो करने का मौका मिलेगा, वो भी अब एक्सप्लोरेशन में जा सकते हैं, प्राइवेट तरीके से जा सकते हैं, ये हमारा रहेगा। एडवांस टेक्नोलॉजी कैपेसिटी हमारी बन रही है, कोलैबोरेट करने का भी मौका मिलेगा आपको ग्लोबल लेवल पे विद वेरियस कंट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस, एंड आल्सो जो हमारा एकेडमिक और इंडस्ट्री जो वन सेकंड, अकेडमी और इंडस्ट्री का जो हमारा है उसकी जो पार्टनरशिप है वो भी इंक्रीज होगी। इट इज एन यूनिक अपॉर्चुनिटी ऑल्सो टू इंस्पायर अवर स्टूडेंट्स, देखो इस टाइप की चीजें जब होती हैं डेफिनेटली, ठीक है, वो इंस्पायर तो करेंगे ही करेंगे कि यार आगे आने वाली जनरेशन, हमें जब ये पता, हमारा खुद का स्पेस स्टेशन है,
तो जो इसरो में रह रहे हैं उसके लिए जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक स्टेप्स माइलस्टोन तो ऑलरेडी सेट हो गया, अब अगली चीज उन्हें आगे ही जाना है, ठीक है। तो डेफिनेटली एक नए नए स्टेप्स होते हैं, स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल पार्टनरशिप एंड ग्लोबल सिक्योरिटी ऑल्सो, ठीक है। अब जैसे हम अलग अलग जो वारफेयर की बात करते हैं, स्पेस वॉरफेयर, उसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारा ये प्ले कर सकता है, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, टेररिज्म, बॉर्डर मैनेजमेंट, तो वेरियस एप्लीकेशंस, रिमोट सेंसिंग और मैनेजमेंट और वो सब, ठीक है, सैटेलाइट मैनेजमेंट, वो तो हमारी रहेंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है अभी तक? शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक? बताइए, सैटेलाइट डिस्ट्रक्शन डेफिनेटली, ठीक है, चलो ठीक है विकास। अब हम आगे आते हैं, देखिए जियो स्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया अभी रिसेंटली नीति आयोग ने लॉन्च किया, नाम से ही पता चल रहा है, जियो मतलब अर्थ, स्पेशियल मतलब स्पेस, अर्थ के जो स्पेस है उसका मैप, एनर्जी मैप, एनर्जी मीन्स व्हाट, एनर्जी हमें कहां से मिलती है, कोल से मिलती है, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, तो जो भी हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हो सकते हैं, हाइड्रो एनर्जी, तो अलग अलग एनर्जी रिसोर्सेज को हम मैप करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा रिसोर्स कहाँ है, उसकी डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, तो उस वजह से ताकि अपन उसको बेटर तरीके से मैनेज कर सके। बेसिकली काम तो यही है, कोई भी मैपिंग, डिजास्टर मैपिंग का भी क्या काम रहता है, अगर हम वल्नरेबिलिटी, जैसे मान लो अपना यूपीएससी में सवाल आया था कि वल्नरेबिलिटी मैपिंग अपन करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, अगर आप फ्लड की करते हो, अर्थक्वेक की करते हो, ऐसे ही एनर्जी की करेंगे, तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा यार, मान लो इस हिस्से में इंडिया के हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं बट डेवलप्ड नहीं है, तो यू नीड सम कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी डिप्लॉयड देयर सो दैट वी कैन डेवलप दोज रिसोर्सेज, ताकि हम बेटर तरीके से काम कर सकें, उसको यूटिलाइज कर सकें, ठीक है, दैट इज वन थिंग। फिर और मेन तो यही है, सेकेंड कि भाई हम सेल्फ रिलायंस की भी बात करते हैं, तो उस चीज को भी ये हमें हेल्प करेगा, ठीक है। बेसिकली अब हम एक मैप बनाना चाह रहे हैं, एक इंटीग्रेटेड मैप, मैप बन गया, आपके पास डाटा आ गया, डाटा आ गया तो उससे अगेन यूज कर सकते हो, विद द यूज ऑफ व्हाट, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टू प्लान एंड डिजाइन न्यू आपके पॉलिसीज, ताकि और बेटर तरीके से हम यूटिलाइज कर सके। मेनली हमारा काम तो क्या रहता है, अभी जो हम चल रहे हैं, जिस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, उसको हम और भी बेटर कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन और जो वेस्टेज हो रही है वो कम से कम रहे, ठीक है। सिंपल है, एक्चुअल चीजें किसने लॉन्च किया, नीति आयोग ने, कोलैबोरेशन विद इसरो, जीआईएस, एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ये है, विद द सपोर्ट ऑफ एनर्जी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक होलिस्टिक पिक्चर देगा सारे के सारे ऑल एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे पावर प्लांट कहाँ है भाई, ऑयल गैस वेल कहाँ है, पेट्रोलियम कहाँ है, कोल कहाँ है, कोल ब्लॉक कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा हमारे पास होगा, द मोर कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक डाटा वी हैव द मोर वी विल बी एबल टू प्लान अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। तो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, इनइक्वालिटी, ठीक है, उसकी अपन बात करते हैं, उसको किसी न किसी तरीके से आराम से मैनेज कर पाओगे, तो यहां से फर्स्ट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट सारे के सारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज क्या रहेंगे, देन इंटीग्रेटिंग एनर्जी डाटा स्कैटर अक्रॉस मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, अभी क्या है वेस्टेज, जैसे हमने इंटेलिजेंस वाले के लिए बात करी थी, ठीक है, एनआईए एक कॉमन प्लेटफॉर्म, ऐसे ही अलग अलग को आप कंबाइन करके यहां पे लेके आएंगे एनर्जी के लिए, ठीक है, तो ये हमारा रहेगा इंटरेक्टिव यूजर फ्रेंडली तरीके से, यूजफुल इन प्लानिंग, मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड वॉट नोट, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। तो जो डाटा हमारे पास है, ये डाटा आपके पास ऑब्जेक्ट्स के लिए है, जैसे पावर प्लांट, इवेंट्स के लिए है, फिनोमेनास के लिए है। अब इस डाटा की लोकेशन की एक पर्टिकुलर चीज कहां पे पाई जा रही है, या तो वो स्टैटिक हो सकता है जो हमेशा वहीं पे ही रहता है जैसे पावर प्लांट, या फिर एक वो मूविंग भी हो सकता है जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक की भी अपन बात कर सकते हैं, ठीक है, तो वो चेंज भी हो सकता है, तो आप डायनेमिक स्टैटिक दोनों तरीके से ही उसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये अपना रहेगा, ठीक है। इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है हमारी, इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट सच एज रोड, लोकैलिटी, रेलवे, वाटर, पब्लिक एमिनिटीज, ये सारी की सारी भी रहेंगी। देखो एट प्रेजेंट जो हमारे पास जो पॉलिसी चल रही है वो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टिव है, ठीक है,
बिकॉज ऑफ हमें डर लगता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कि ये जो डाटा है इसका कहीं मिसयूज ना हो जाए, ठीक है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमने ये पॉलिसी उस हिसाब से थोड़ी सी मॉडिफाई करी है। आज ही सुबह अपन ने एक पॉलिसी वाला देखा था, ठीक है, बताइए। सुबह हमने जो देखा था आपका, वो बताओ, एक अपन ने एक्ट जो देखा था उसके बारे में बताइए। तो यहां पे जो पॉलिसी रिन्यू करी गई है, रिन्यूअल इन द डिकेड एंड हैज बीन ड्रिवन बाय इंटरनल एज वेल एज, उसकी वजह से इसमें रेस्ट्रिक्शन थी कि भाई हम अलग अलग तरीके से इस डाटा को यूज नहीं कर पा रहे थे, कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया, ठीक है। टॉपिक नंबर 21 देख, ये है हमारा टॉपिक, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव ऑल्सो वॉग, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड आ सकता है, टू मार्कर में आ सकता है, ठीक है। प्री ऑक्यूपाइंग स्ट्रेटजी वो दूसरी थी, एक्चुअली मैं एक्ट की बात कर रहा था, आप दूसरे उसमें समझ गए भारती, जो हमारा क्रिमिनल वाला जो एक्ट था ना, इन्वेस्टिगेशन वाला, उसकी अपन बात कर रहे थे कि उसमें भी काफी रिलैक्सेशन चेंजेस उन्होंने करे, वो वाली अपन बात कर रहे थे। देखिए सबसे पहली चीज यहां पे क्या आ रहा है, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो सबसे पहले ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का और आपके बोरिस जॉनसन यूके वाले थे, इन्होंने कहा चलो मिलकर बैठते हैं, सोचते हैं क्या किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा यार अर्थ पे बहुत सारे जो रिन्यूएबल एनर्जी की अपॉर्चुनिटीज हैं। इससे पहले इंडिया ने जो बात करी थी आईएस से, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, ठीक है, तो वहां पे हमने मोर देन 120 प्लस कंट्रीज के साथ मिलकर आ गया कि भाई ट्रॉपिकल और इस एरिया में जो इक्वेटोरियल एरिया है वहां पे कंट्रीज है। अब द पॉइंट इज कुछ कंट्रीज में, अब जैसे मान लो अगर आप इसको वन वर्ल्ड वन सन कर देंगे, ठीक है, कुछ कंट्रीज में मान लेते हैं दिन है कुछ में रात है, अगर आपने एक इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म बना दिया तो जिसमें दिन है वहां पे जो पावर प्रोड्यूस हो रही है वो रात वाले के पास जा सकती है, रात वाले में प्रोड्यूस, रात वाले में जब दिन आएगा तो वहां पे जो प्रोड्यूस होगी वो दूसरी जगह जाएगी। इंटीग्रेट करना बेसिकली टू कि भाई 100% हम 24/7 आपके रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू सन पे हम आराम से इजिली डिपेंडेंट हो सके, उसी चीज को ये प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा धीरे धीरे चलो, पहले आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे मान लो इंडिया है, तो इसमें इंडिया एक बीच में आ जाता है, हमारे ईस्ट में बहुत सारी जो भी कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया, तो इनको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं यहाँ पे। पर अब एक इतना बड़ा सिस्टम क्रिएट करना इज नॉट एन ईजी टास्क अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर अपन कंट्री की ही बात करें तो अलग अलग कंट्री में इस टाइप का इतना बड़ा सिस्टम मैनेज करना, क्या हमने स्मार्ट ग्रिड पूरे इंडिया में बना दी? नहीं बनी है, तो फिर इतने बड़े लेवल पे उसमें भी तो एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क तो है, कैपिटल भी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, इंटर कंट्री जो रिलेशंस है, इंटरनेशनल रिलेशन, वो भी बड़े स्मूथ होने चाहिए। आगे आने वाले कुछ टाइम पे अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, आपकी डिपेंडेंसी अगर उस पर्टिकुलर कंट्री पे हो गई है, तो मे बी अगर मान लो वार जैसी सिचुएशन आती है तो गड़बड़ भी होने के चांसेस हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन लॉसेस, यस एब्सोल्युटली राइट विकास, ठीक है, वो भी बहुत बड़े कंसर्न है। RPA 1951, RPA वाला नहीं था, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, यस निखिल एब्सोल्युटली राइट, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022, ठीक है। देखो ये तो हो गया, अब इसमें यही एक किसी भी बड़ी ग्रिड को चलाने के लिए एक मिनिमम पावर सप्लाई की जरूरत होती है, ठीक है, जो फ्लक्चुएशन और इन सबको भी देख पाए, वरना वो ऑपरेट ही नहीं करेगी। ऑपरेट करने के लिए भी अभी डिफिकल्टीज है, ऑपरेट कर दिया तो ट्रांसमिशन की जो बातें कर रहे हैं विकास, ठीक है, तो ट्रांसमिशन लॉसेस आप कैसे करोगे, वो भी कर दिया। फिर स्टोरेज वाली जो कॉस्ट है, ठीक है, कैपिटल कॉस्ट है, ह्यूमन रिसोर्सेज की जो है, उसको कैसे किया जाएगा, इट इज अ एम्बिशियस प्रोजेक्ट, एम्बिशंस होंगे तभी आगे बढ़ा जाता है, सोचा जाता है, ठीक है। सोचते ही नहीं कि मून पे भी जा सकते हैं, मार्स पे भी जा सकते हैं, तो जाते ही नहीं, सोचा तभी तो गए, अब वही चीज यहां पे भी है, ठीक है, कि भाई क्या पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जस्ट आई एम गिविंग यू 20 seconds, 25 seconds, अगर ये प्रोजेक्ट हो जाता है अच्छे तरीके से कंप्लीट, ठीक है, तो वट डू यू थिंक विल बी द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑन वेरियस इंटरनेशनल रिलेशंस, हम बात करें बिटवीन द कंट्रीज, आप कैसे देखते हैं किस तरीके से वो इवॉल्व होंगी, अलग अलग डायमेंशन की बात करो, बताओ।
ठीक है, इंडिया इज इन गुड सिचुएशन एज वी हैव अ ग्रेट रिन्यूएबल सोर्स एंड वी कैन डेवलप ऑल्सो, बिल्कुल ठीक है। देखो कोई नहीं, आप लोग आंसर करते रहना अभी। इसमें देखो, अब इसके बारे में थोड़ा सा बात अबाउट ग्रीन ग्रिड क्या है, कनेक्टिंग सोलर एनर्जी सप्लाई अक्रॉस द बॉर्डर एंड इंटरनेशनल सोलर अराय 2018 से अपना चल रहा है। ये ग्लासगो समिट जो अपनी हुई थी COP26, उसमें ये बात करेगी थी टू कनेक्ट द एनर्जी ग्रिड अक्रॉस द बॉर्डर, ताकि हम फास्टर आपका ट्रांसमिशन कर सकें, बेसिकली रिन्यूएबल, क्योंकि फ्यूचर इज रिन्यूएबल। ठीक है, तो ये हमारा हो सकता है। प्रपोजल इज एम्ड एट एड्रेसिंग जो भी आपकी रिलायबिलिटी है ऑन द सप्लाई, जो मैंने आपको बताया कि भाई मान लो किसी कंट्री में जनरेट नहीं हो रही है तो वो दूसरी के थ्रू कर ले, और उसमें जिस तरीके से हो रही है उससे भी अपनी सप्लाई कर ले। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बीपीओ उसमें भी अपन बात कर सकते हैं, ऑयल से हमारा काफी वो है। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। एक इशू है कॉस्ट ऑफ एनर्जी स्टोरेज, क्योंकि जिस टाइम पे मान लो अपने पास सप्लाई नहीं हो रही उस टाइम पे अपने को स्टोर भी करना है, तो वो जो स्टोरेज कॉस्ट है वो भी अपने को रिड्यूस करनी पड़ेगी। इन सारी चीजों में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज की अपन बात करते हैं, जब हम इस चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे तब वी विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू टेक इट फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये है सोशली वन टू वन अर्न विद दिस। ठीक है, हाँ रूफटॉप वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं IR में जो बात कर रहा था उससे रिलेटेड देख रहा था। ठीक है, देखिए व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट, इसमें देखिए स्मॉल ग्रिड कनेक्शन। ठीक है, पहला तो इंक्लूडिंग द स्मार्ट ग्रिड कनेक्टिविटी, मिलियंस ऑफ द सोलर पैनल जो है उनको कनेक्ट करना, चार्जिंग पोजीशंस लगाना इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, माइक्रो ग्रिड्स है रूरल कम्युनिटी के लिए, इनको करना। 80 कंट्रीज यहाँ पे आपके हो चुके हैं, जहां पे आपने सरप्लस जो कंट्री है उसको हम जो डेफिसिट वाली कंट्री है उससे अपन लिंक कर रहे हैं। एक ट्रांसनेशनल ग्रिड रहेगी दो देशों के बीच में जो एड्रेस करेगी, वो आपको एस्टेब्लिश करनी है। देखो ये चीज सबसे ज्यादा हमें किस चीज में हेल्प करेगी, जो हम ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन लिमिट करना चाहते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए इंडिया इसका मिडिल में है सोलर स्पेक्ट्रम में, तो ये यहाँ पे इसके दो ब्रॉड जोन है, एक तो ईस्ट वाला जिसमें म्यांमार वियतनाम थाईलैंड लाओस कंबोडिया है, एक वेस्ट वाला मिडिल ईस्ट अफ्रीका। तीन स्टेजेस में ये डेवलप होगा। पहला आप एशिया में इंटरकनेक्टिविटी बनाना चाह रहे हैं, सेकंड उसको हम लिंक करेंगे अफ्रीका के साथ। ठीक है, तो ये स्टेजेस हैं, पहला एशिया को लिंक करेंगे फिर अफ्रीका को लिंक करेंगे, देन वी विल फोकस ऑन ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। इस तरीके से ये चलेगा। सपोर्ट हमें पता ही है कि सबका सबके साथ चल ही रहा है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और यूके ने सपोर्ट किया, ये सारा का सारा है ही। नाइजीरिया, सोमालिया, ठीक है, बियॉन्ड द गवर्नमेंट आपके जैसे लेजिस्लेचर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सब लोग आ ही रहे हैं। ठीक है, नाउ लुकिंग एट द चैलेंजेस, जैसे मैंने आपको पहला ही बताया, वास्ट डिस्टेंस पे जा रहे हो, कैपिटल बहुत चाहिए, ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत होंगे, पहला तो यही हो गया, सेकेंड एक्सपेंसिव बहुत होगा। ठीक है, तो जैसे इन्होंने कहा सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होना चाहिए बिटवीन द नेबरिंग कंट्री आप करो। इसी डायरेक्शन में हमारा जो है इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, IBN, ठीक है, MN जो भी हमारे हैं, तो BBIN बोल लो, BBIN और म्यांमार, इन्होंने तो आपस में अभी शेयर कर ही रहे हैं। थर्ड देखो, एक स्टेबल ग्रिड चाहिए ओवर अ ह्यूज ज्योग्राफिकल रीजन इज अ चैलेंज, कि मैंने आपको बताया था एक मिनिमम परफॉर्मेंस के लिए एक मिनिमम जो भी पावर और वो जब चाहिए तो वही स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगी, वो नहीं है तो फिर आप कैसे कर सकते हो, वो भी पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। फिफ्थ, एनी ग्रिड दैट फंक्शन रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट बेस लोड, मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी फ्लो वो मेंटेन करो। लार्ज ग्रिड डिफिकल्ट टू स्टेबिलाईज विद स्टेडी करंट, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, ये तो है ही। सिग्निफिकेंस क्या है, देखो सबसे पहले आपकी डिपेंडेंसी जो हमारे कोल और ये सब है, एट प्रेजेंट भी मोर देन 50% डिपेंडेंसी, 58% कोल पे ही है, इसको हमें कम करना ही करना पड़ेगा अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो। दिस इज हाउ वी इवॉल्व। ठीक है, तो इसके लिए हमारा सबसे पहले हो जाएगा। फिर देखो इसका सिग्निफिकेंस ये भी है कि आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएंगी इन रिन्यूएबल एनर्जी, आज के टाइम पे काफी इन्वेस्टमेंट आ भी रही है। ठीक है, एक अच्छा अपना वो इंडेक्स कौन सा था जिसमें हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स पे जो है वो हम इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हमारा जो इंडेक्स है उस इंडेक्स का नाम क्या है? यस, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस प्रोजेक्ट कॉस्ट, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, एब्सोल्युटली राइट रवि, हाँ कॉस्ट ऑफ एनर्जी स्टोरेज, बिल्कुल विकास, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही है। इश्यू ऑफ सोलर पावर प्लांट सप्लाई रिलायबिलिटी, कितना सप्लाई कर पाएगा? ठीक है, एक बार सन बंद हो गया तो कहां से मिलेगी, दूसरे वाले से कनेक्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे? ठीक है, फिर हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी स्टोरेज है उसको भी एड्रेस करना है। जब तक ये एड्रेस नहीं होगी तब तक तो कोई फायदा है ही नहीं।
ठीक है, तो ये बाहर हो गया। ये टॉपिक आपका हो गया है आईएएस से ओसोवोग। इसमें हमेशा जैसे ही मान लो टॉपिक पूछा जाता है व्हाट इज द टॉपिक इज अबाउट, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन फैक्चुअल, देन उसके फायदे क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, कैसे उनको एड्रेस किया जा सकता है इन तीन चार टर्म्स में, ठीक है, वे फॉरवर्ड। सिमरन, इकोनॉमिकल डिपेंडेंस फॉर नॉन रिन्यूएबल विल रिड्यूस, इंपोर्ट वुड रिड्यूस, करंट अकाउंट वुड, सेल्फ रिलायंट विल इंक्रीज, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन एक्सेट्रा। हाँ, वेरी गुड सिमरन। रिन्यूएबल अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, वो तो चलो ठीक है, वो तो मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए भी हो गया। मैं उसकी बात कर रहा था, ग्रीन एक्स, ठीक है, ग्रीन एक्स। रवि एब्सोल्युटली राइट, रवि ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, ग्रीन एक्स, ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम आते हैं, देखो ये है आयरिस। सवाल आपसे आएगा आयरिस की टर्म, कि आयरिस क्या है। अब उसमें आयरिस में हम आंख वाला भी आयरिस लिख के आ सकते हैं, बट द पॉइंट इज जहां पे मल्टीपल आंसर्स होते हैं वहां पे हो सकता है कि दोनों आंसर्स को सही मान लिया जाए, बट मोर प्रोबेबिलिटी जो न्यूज में रहती है आपसे इस तरीके से ही पूछा जाएगा। फॉलोइंग थिंग विच वॉज इन न्यूज इज अबाउट वॉट, आयरिस क्या है, ठीक है। तो आयरिस की फुल फॉर्म देखो, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट। देखो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो आपकी मेल्टिंग ऑफ आइस हो रही है, सी लेवल इंक्रीज हो रहे हैं, तो बहुत सारे जो आइलैंड स्टेट हैं वो डूबने वाले हैं, क्लाइमेट रिफ्यूजी क्राइसिस आ सकता है, उनको कैसे हम रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा सकते हैं उससे रिलेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड उनको अपने को बनाना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसके बारे में बात करी कि वे डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मॉल आइलैंड नेशन ऑन द साइडलाइंस ऑफ द कॉप 26 में ये बात करी गई थी। अब ये है क्या, देखिए ये को क्रिएटेड बाय CDRI, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर विद द सपोर्ट ऑफ द मेंबर कंट्रीज एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ SIDS। तो CDRI और SIDS ये दोनों मिलकर इसको कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे आप क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड कराओगे, ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट, कैपिटल, टेक्निकल, ह्यूमन, हर टाइप के सपोर्ट आप इसमें प्रोवाइड कराएंगे। टेक्निकल सपोर्ट फॉर प्रमोटिंग अ डिजास्टर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, जो मान लो SIDS है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, वहां पे कि भाई मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ होने के चांसेस, मान लो सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो अब ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करी जाए जो उन डिजास्टर्स को रेजिलियंट हो, यानी डिजास्टर आने के बाद भी वो खड़े रहे, क्यों, क्योंकि दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, और लाइफ लॉस जो हमें होता है इन उसमें तो वो भी नहीं करना पड़ेगा, कोई नहीं विकास होता है, ठीक है। देखो ये अपना हो गया, तो ये प्रोवाइड कराएगा, एंड द गोल ऑफ द आयरिस विल डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द सेमोवा पाथवे। सेमोवा पाथवे क्या है, सिड, स्मॉल आइलैंड डेवलप कंट्रीज एक्सेलरेटेड मॉडलिटीज ऑफ एक्शन, ठीक है, कि थोड़ा सा एक स्टेप आगे इसी में ही, कि भाई क्लाइमेट चेंज में ही उनकी क्या एक्शन मॉडलिटीज हैं, उनको कैसे एक्सेलरेट कर रहे हैं वो, ठीक है। सो देन देखिए, स्मॉल आइलैंड स्टेट आर द मोस्ट वल्नरेबल टू द इंपैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, दे लॉस्ट 9% ऑफ देयर GDP इन द सिंगल डिजास्टर ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक। काफी वल्नरेबल है, इन्होंने लूज कर दिया। द बल्क ऑफ द वर्क वुड इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग एंड डायरेक्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा कि भाई मेनली तो फाइनेंस कहां से मिलेगा, उसी पे ही ये काम करना चाह रहे हैं, टेक्निकल और ये सब। CDRI और SIDS काम कर रहे हैं। CDRI क्या है, इट इज पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, UN, मल्टीलेटरल डेवलपमेंटल बैंक्स और ये सब, ठीक है। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने UNDRR, डिजास्टर समथिंग समथिंग रिहेबिलिटेशन वट एवर, आई डोंट नो एग्जैक्टली अभी, तो उसके साथ मिलकर आपका CDRI यहां पे बनाया है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हर कंट्री में काम कर रहे हैं, स्पेशली सिड्स में, ठीक है। इट इज एन एफर्ट टू क्लाइमेट प्रूफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन मेंबर कंट्री, जैसे कि US, जर्मनी, UK, ब्राजील और ये सब वो सब, ठीक है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जापान, तो यहां पे एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करनी है। नाउ ये है देखो, ये जो कोएलिशन है, इट विल नॉट क्रिएट एनी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नॉलेज सेंटर बनेगा, ठीक है, नॉलेज सेंटर की भाई वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप कराई जा सकती है उसको प्रोवाइड कराएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना काम किसका है? नेशन का, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, इंडिया ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव बिफोर सीडीआरआई क्या था वो हमें पता है, हमारा आईएसए था। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। सीडीआरआई इंडिया का सेकंड इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव। पहला आईएसए कब? 2015 में पेरिस क्लाइमेट पे अपन ने लॉन्च किया था। इसमें इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल कंट्री आ गई थी जहां पे गुड सनलाइट हमारी होती है, 120 प्लस कंट्री आपके आ गई थी। बूस्टिंग द यूज ऑफ द सोलर एनर्जी इन द रीजन एंड ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, ठीक है, ताकि कम से कम अपन खर्च कर सके। जितना लार्ज स्केल अपन किसी चीज को डेवलप करने लग जाते हैं उसकी कॉस्ट उतनी ही कम हो जाती है और अडेप्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है। देखो, बेसिकली इंडिया का ये एक अटेम्प्ट है ग्लोबल लेवल ऑफ लीडरशिप प्रोवाइड कराना, ठीक है। अभी वैसे ही ग्लोबल लेवल पे लीडरशिप क्राइसिस चल रहा है, स्पेशली इन द क्लाइमेट चेंज। अब इंडिया में सबसे पॉजिटिव क्या रहा कि भाई हमने अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स जो हमने रखे थे, ठीक है, वो हमने बहुत ही पहले अचीव कर लिए। दो तीन साल पहले तो हमने जो 2022 का टारगेट रखा था वही अचीव कर लिया था। अभी हम उससे भी बहुत आगे जा चुके हैं। एंड अच्छा ये बताइए, सोलर एनर्जी में हमने कितना टारगेट रखा हुआ है कि सोलर से हम कितना बनाना चाह रहे हैं वो बताओ, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज लीडरशिप अपन करना चाह रहे हैं। एसआईडीएस हमारे क्या है? सिंपल, अ ग्रुप ऑफ 38 यूएन मेंबर स्टेट्स एंड नॉन यूएन मेंबर जो कि हमारे स्मॉल आइलैंड डेवलप्ड हैं। दे आर लोकेटेड इन मेजरली थ्री ज्योग्राफिकल एरियाज, कैरेबियन पैसिफिक एंड अटलांटिक, इंडियन ओशियन एंड साउथ चाइना सी, ठीक है। तो ये इसमें हमारे हैं, अटलांटिक इंडियन वाले में, कैरेबियन और पैसिफिक वाले में और साउथ चाइना। इनकी पॉपुलेशन जो है लगभग 65 मिलियन के आसपास, 6 करोड़ है, ठीक है। यानी हरियाणा से लगभग ढाई तीन गुना मान लो, ठीक है, मोटे मोटे तौर पर ढाई, तो उतना अपन कर पाएंगे, ठीक है। टॉपिक नंबर 450 गीगावाट। देखो COP26 में अपन ने उसको 500 गीगावाट किया था, हाँ, पर अभी अपन ने जो ऑफिशियली किया है वो पूरा 500 तो अपन ने नहीं किया, शायद हमने 50% वाला उसमें किया है और 1 बिलियन वाला शायद वो किया था, ठीक है, इसमें ऐसा ही कुछ था। चलो मोटे मोटे तौर पे अपन देख लेंगे कि हाँ भाई ये है, ठीक है। बाय 2030 500 गीगावाट का हमने COP26 में टारगेट रखा हुआ है, बट वो ऑफिशियल नहीं हुआ अभी। देखो, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, मैं भी डिजिटल 3.0, नाम से क्या है, मैं भी मतलब आई एम ऑल्सो डिजिटल। डिजिटल इसमें किसको बनाना है 3.0 में? इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं बेसिकली, देखो उनके पास क्या है कि वो सामान भी बेचते हैं, कनेक्टेड भी हैं इकोनॉमी से, बट ऑनलाइन ट्रांसमिशन उतने नहीं हो रहे, तो हम भारत पे, फोन पे, पेटीएम, उन प्लेटफॉर्म्स पे उनको लाके उनको डिजिटल बनाना चाहते हैं। ऑल्सो सिर्फ पेमेंट ही नहीं, बाकी जो सर्विसेज हैं, चाहे इंश्योरेंस की सर्विसेज हो, लोन की सर्विसेज हो, उनको और अफोर्डेबल तरीके से प्रोवाइड कराई जा सके, वो भी अपने को इसमें देखना है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने अलग अलग टारगेट्स रखे हुए हैं कि भाई हम 10,000 रुपए उन्हें एज ए लोन दे देंगे विदाउट एनी कोलैटरल, अगर आप पेमेंट टाइम पे करते रहेंगे तो आगे आपको 20,000-50,000 तक के भी लोन मिल जाएंगे। आपको लोन मिल सकता है, इंश्योरेंस सर्विसेज मिल सकती हैं, पेमेंट सर्विसेज मिल सकती हैं, मेनली फॉर स्ट्रीट वेंडर्स ऑन इंटरेस्ट सबवेंशन, ठीक है। तो ये GW है सर, सोलर चेक्ड, ठीक है विकास, ओके सिमरन, कोई नहीं, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना। इन वाले डाटाओं में देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे हर बार चलता रहता है, कोई भी एक डाटा फाइनलाइज करके उसको डाल लेना बस, ठीक है। अच्छा अब देखो, पहला ये किया किसने है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, क्योंकि अर्बन में ही अपन इसको कर रहे हैं। किन के लिए? और मैत्री ने मिलकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पॉइंट क्या है? इट इज अ कैंपेन फॉर डिजिटल ऑनबोर्डिंग एंड द ट्रेनिंग ऑफ व्हाट? स्ट्रीट वेंडर। इसमें भारत पे, MSY, फोन पे, पेटीएम, इनके थ्रू इसको करना चाहते हैं। इनको ट्रेन करेंगे कि भाई आप एक्सेप्ट करें, डिजिटल पेमेंट्स लें, ऐसा ऐसा। फिर हमारे पास आता है पीएम स्वनिधि, उसी के अंदर ये चल रहा है। स्वनिधि कैसा था? स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें वर्किंग कैपिटल लोन 10,000 तक का दिया जाएगा, 7% सब्सिडी पे, रेगुलर पेमेंट। क्या कोई पेमेंट करनी है, कोलेटरल चाहिए? नो। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को हम टारगेट कर रहे हैं इसमें कवर अप करने के लिए। अगर आप ढंग से करेंगे तो बाद में 20,000-50,000 तक के भी लोन मिलेंगे। 1,200 रुपए, 100 रुपए पर मंथ इस टाइप के कैशबैक दिए जा रहे हैं ताकि हम इनको और ज्यादा प्रमोट कर सकें, ताकि इंसेंटिवाइज करने के लिए, दैट्स इट, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया है। नाउ टॉपिक नंबर 24, देखो ये क्या है, ये आपका ग्रे वाटर मैनेजमेंट। देखिए अभी हरियाणा के कंटेक्स्ट में ये न्यूज में चल रहा था इसलिए मैंने इसको ले लिया। सिरसी जो विलेज है करनाल का, वहां पे इसको बनाना चाह रहे। बेसिकली क्या है कि जो आपका सीवेज वाटर है उसको छोड़ के जो हमारा हाउस होल्ड से पानी निकलता है, कपड़े धोने से, बर्तन धोने से, इस टाइप का, ठीक है, या हाउस की सफाई करने से, जिसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट आपका कम रहता है एज कंपेयर टू सीवेज, उसको हम बोलते हैं ग्रे वाटर। उस ग्रे वाटर में न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं, ठीक है, केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल कम होते हैं, मतलब उसको पहले ही अगर ट्रीट कर लिया जाए तो हम उसके काफी यूजेस कर सकते हैं। नॉन ड्रिंकिंग एग्रीकल्चर में यूज कर लो, प्लांटिंग के लिए यूज कर लो, ये सारी की सारी चीजें अपनी चलेंगी, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। बेसिकली इतना ही है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, वही सब चीजें। देखो यहां पे करनाल डिस्ट्रिक्ट में एक वेस्ट स्टेबिलाईजेशन पॉन्ड सिस्टम बनाया गया फॉर ग्रे वाटर मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो विलेजेस में आपके रस्ते हैं, वहां पे एक्युमुलेट हो जाता है, खराब बदबू आती रहती है, मॉस्किटो ब्रीड करते रहते हैं, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यही हमारा है। ग्रे वाटर क्या हो गया आपका, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर एक्सक्लूडिंग सीवेज। मेन डिफरेंस क्या है, ऑर्गेनिक लोड का। सीवेज में फिकल मटेरियल ये सब आपका ज्यादा रहता है, तो आपका ऑर्गेनिक लोड काफी ज्यादा रहेगा, ठीक है। किचन, सम पीपल ऑल्सो कैटेगराइज किचन वाटर एज ब्लैक वाटर ऑल्सो। ब्लैक वाटर थोड़ा सा और ज्यादा जिसमें ऑर्गेनिक और यूज के लायक नहीं होता वो ब्लैक वाटर हो जाएगा, आगे अपन देखते हैं। देखो यूज क्या है, अगर आपने प्रॉपरली ट्रीट किया तो गुड यूज कर सकते हैं, जैसे रीयूज कर सकते हो, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिर आप लॉन्ड्री के लिए, टॉयलेट फ्लशिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, ठीक है, और फूड और नॉन फूड प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, इसमें जैसे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, उससे अपन कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है, देखो बेनिफिट सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, पानी आपने यूज कर लिया तो अब आपको और दूसरे पानी पर डिपेंड होना पड़ेगा क्या, नहीं, ठीक है, उसी पानी को आप बार बार यूज कर सकते हैं। सप्लाई, ठीक है, वो हमारी कम हो जाएगी तब भी हम उसको यूज कर सकते हैं। डिमांड भी आप रिड्यूस कर दोगे क्योंकि उसी पानी को आप बार बार रिसाइकल कर रहे हो, ठीक है। क्लाइमेट पे उतना कम प्रभाव पड़ेगा, तो ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। फ्रेश वाटर की नीड कम हो जाएगी, बार बार फ्रेश वाटर नहीं चाहिएगा, डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ठीक हो जाएगी, ठीक है। और अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर जो हमारा सीवर में एंटर कर रहा है वो भी कम हो जाएगा, उससे पहले ही हमने इसको साफ कर दिया। इसमें अलग अलग हम छोटे छोटे पिट्स भी बना सकते हैं, जैसे घरों में बनाए जाते हैं, एक के बाद दूसरा क्लीन होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है पानी, ठीक है, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। नाउ देखो ये हमारा वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, यहाँ पे सीरीज ऑफ शैलो मैन मेड बेसिन होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक इन द ग्रे वाटर थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, यानी वहां पे जो भी हमारे बैक्टीरिया वगैरह हैं वो उस पर एक्ट करेंगे, ठीक है। फिर इसमें देखो क्या है, हाँ, झारखंड ड्रोट कैन यूज दिस मैनेजमेंट से, आज अपने सुबह ही जो झारखंड ड्रोट वाला पढ़ा था, करंट में जो चल रहा था उसमें हम कर सकते हैं एटलीस्ट जो दूसरे यूजेस हैं, पर इट टेक्स टाइम टू एस्टेब्लिश द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, अभी इमीडिएटली तो नहीं कर सकते, शॉर्ट टर्म मेजर्स रहते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स रहते हैं, इसको अपन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ले सकते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें जैसे ग्रे वाटर है, ये कौन कौन सा आपका, वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन, बाथरूम, क्लोथ हाउस, वेशल, ये सब। ब्लैक वाटर में क्या है, टॉयलेट, फिकल, येलो मतलब यूरिन, ठीक है। कमर्शियल में क्या रहेगा, जैसे जो आपका ढाबाज, हॉस्पिटल, लॉन्ड्री, स्लॉटर हाउसेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और इनसे हमारा निकलता है। अब देखो वेस्ट या वेस्ट वाटर स्टेबिलाईजेशन पॉन्ड जो आपने कई बार देखा होगा, शहर के बाहर होते हैं, दादरी के बाहर भी है, उसमें सीवेज वाला भी आ जाता है, बट बड़े बड़े पॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उनमें अलग अलग लेवल ऑफ ट्रीटमेंट होता है। फायदा क्या है, जैसे ही आप ट्रीट करेंगे उससे बदबू भी चली जाती है, मॉस्किटो भी चले जाते हैं, ये काफी, और उसको रीयूज भी अपन कर सकते हैं, तीन चार मेजर यही हमारे रहेंगे, और वाटर यूटिलाइजेशन तो हो ही गया, ठीक है। तो दीज आर व्हाट, लार्ज मैनमेड वाटर बॉडीज इन विच ब्लैक वाटर, ग्रे वाटर, फिकल स्लज ट्रीट किया जाता है बाय नेचुरल अकरिंग प्रोसेस विद द इन्फ्लुएंस ऑफ सोलर लाइट, विंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, ठीक है। नागपुर ऑलरेडी, यस एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे जगह चल ही रहा है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी अपना चल रहा है, सिरसी वाला ये भी रहेगा। देखिए इसमें तीन टाइप के पॉन्ड बनाए जाते हैं, एनारोबिक, एरोबिक, फैकल्टेटिव, ठीक है, मतलब मैनेजमेंट के हिसाब से, अब ये अपन देख लेंगे। अब यहां पे देखो ये जो इससे बाहर इफ्लुएंट निकलेगा उसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते हैं, तो दीज आर अप्रोप्रिएट फॉर द रीयूज इन एग्रीकल्चर, बट अगर आप डायरेक्ट इसको सरफेस वाटर में डिस्चार्ज कर दोगे
तो वहां पे हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है एल्गल ब्लूम की, ठीक है। तो वो हमें ध्यान में रखना है कि इसको डायरेक्टली वहां पे नहीं डालना, बस हम एग्रीकल्चर रीयूज के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है देखो, सबसे पहला ऑर्गेनिक हाइड्रोलिक शॉक लोड्स, मतलब अगर ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट उसमें हो गया तो उसकी वजह से जो शॉक आने वाला है क्या हम उससे बचा पाएंगे, नंबर वन यस। हाई रिडक्शन इन द सॉलिड बीओडी, पैथोजेंस आपके कम हो जाएंगे, पैथोजन कम होगी तो बीमारी कम होगी। एक्वाकल्चर के साथ आप इसको कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि उस पानी में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट है, ऑर्गेनिक मैटर है, उससे आप एक्वाकल्चर कर सकते हो, ठीक है। आज के टाइम तो अपना चल ही रहा है तो एक्वाकल्चर आप मेंशन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट कम होती है, फ्लाइज वाली प्रॉब्लम, ऑर्डर वाली प्रॉब्लम कम हो जाती है, लोकली जो अवेलेबल मटेरियल है आप उसी को यूज कर सकते हैं, एफिलेंट रीयूज कर सकते हैं एक्वाकल्चर इरिगेशन में। बट व्हाट आर द डिसएडवांटेज, एरिया बहुत बड़ा चाहिए, ठीक है, एरिया कैपिटल ज्यादा चाहिए, एक्सपर्ट डिजाइन और कंस्ट्रक्शन चाहिए, ठीक है। प्रॉपर रिमूवल, स्लज की प्रॉपर रिमूवल और ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। डी स्लजिंग आफ्टर एवरी फ्यू ईयर, मतलब उसमें जो स्लज बार बार हमारा डिपॉजिट होता रहता है उसको निकालना भी पड़ेगा, जैसे डैम्स में भी होती है वो प्रॉब्लम। तो वो सैलिनिटी, पानी की इंक्रीज हो जाती है, उसको भी आपको ट्रीट करना पड़ेगा बिफोर रीयूजिंग। एंड क्या कोल्डर क्लाइमेट्स के लिए है? नो, क्योंकि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतने इजीली अपने काम नहीं कर पाते, तो हम कोल्डर क्लाइमेट में इसको इतना यूज नहीं कर सकते, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ, यूट्रोफिकेशन बोल सकते हैं सिमरन, बिल्कुल ठीक है, वही होता है। फिर देखिए हमारे पास आ रहा है टॉपिक नंबर 25, इंडिजीनियस इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है इंडिजीनियस खुद का है, ये समझ में आ गया ग्रे वाटर वाला? बताओ, आई नो एक दो जने ही रिप्लाई करेंगे यस सर। कोई नहीं, एक दो तो करो। ओके, ठीक है सिमरन एंड भारती, ओके। देखो अब अगला जो टॉपिक है इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। पहली चीज इंडिजीनियस इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सिंपल। इंडिजीनियस हमने बनाया है, इंटेलिजेंट है, जैसे पता चल जाएगा कि भाई मेरी गाड़ी चल रही है, साइड में कौन चल रहा है, आगे कौन चल रहा है, पीछे कौन चल रहा है, स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करूंगा तो मुझे इंफॉर्मेशन आएगी, अलर्ट्स आएंगे ऑडियो विजुअल कि भाई गाड़ी ठुकने वाली है, अब इसको बचा लो, ब्रेक मार लो, या खुद से ही ब्रेक लग जाएंगे, जैसे सेल्फ जो हमारी ड्राइवरलेस कार है उस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको, ये बस सिंपल सा इतना ही है, इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज का अपन यूज कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेम मशीन लर्निंग, बिग डाटा, ताकि इससे जो इनपुट आ रहा है इससे अपन इसको और भी इंप्रूव कर पाएंगे, सिंपल सी बात यही है इसमें। और जैसे मान लो जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल हैं उनको भी इंटेलिजेंट बनाया जाएगा, मान लो जैसे ऐसे ही कि भाई किसी उस पे ट्रैफिक सिग्नल पे राइट वाली जो लेन है उसमें बड़ी लाइन लगी हुई है, लेफ्ट वाली में है ही नहीं, तो लेफ्ट वाली को थोड़ी देर ज्यादा रोक दे, राइट वाली को कुछ ज्यादा देर के लिए निकाल दे, रेदर देन जो हम एक स्टैटिक सिस्टम फॉलो करते हैं कि 15 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 100 सेकंड, आप उसको उसी हिसाब से मॉडिफाई कर ले, ठीक है। अभी मैनुअल चलता है, बाद में लेटर ऑन में भी हम मशीन की मदद से और ज्यादा बेहतर इसको बना पाए। ऐसे ही जैसे मान लो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है तो उसमें भी क्या होता है, अभी एक सोच रहे हैं कि इस वाले सिस्टम में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में उनको थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले जल्दी निकलेंगे तो थोड़ा ट्रैफिक भी स्मूथ रहेगा। फिर अभी हमारे पास इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए हम एसिमेट्रिक अलग तरीके से चलते हैं, कभी निकाल दिया कभी नहीं निकाला, तो उसको भी थोड़ा सा और सिस्टमाइज्ड किया जाए। बेसिकली आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है, अब देखो इसको फुल फॉर्म देख लेते हैं, सिंपल, ITS सॉल्यूशन इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर द इंडियन ट्रैफिक सिनेरियो लॉन्च्ड अंडर INTRANS SE2 प्रोग्राम। INTRANS SE भी रख सकते हो, कॉस्मिक अपन ने देखा था, कॉस्मिक सॉफ्टवेयर, कॉमन स्मार्ट IoT कनेक्टिव
सॉफ्टवेयर फॉर आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये अपन फ्री में याद किया था। देखिए, इट इज एन इंडिजीनियस ऑनबोर्ड ड्राइवर असिस्टेंस, ड्राइवर को असिस्ट कर रहा है, एंड वार्निंग सिस्टम, सिंपल। महती ने इसको डेवलप किया है, डेवलप्ड एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन सेंटर एंड सीडैक। सीडैक क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसमेंट, IIT मद्रास के साथ। ठीक है, ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया, अंदर सारी वही बातें हैं। ठीक है, कवच फॉर ट्रेन्स, हाँ बिल्कुल विकास, वेरी गुड। ठीक है, वैसे ही बात है। देखो, ऑन बोर्ड जो ड्राइवर है उसका असिस्टेंट वार्निंग सिस्टम, तो व्हीकल बोर्न सेंसर्स होंगे, उसको अकोस्टिक विजुअल अलर्ट्स दिए जाएंगे, यहां पे वेव रडार सेंसर्स होंगे, प्रिसाइज जियोस्पेशियल ओरिएंटेशन रहेगा व्हीकल का, व्हीकल किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है। जैसे आज वाले अखबार में या फिर मैंने न्यूज देखी थी ग्रुप में, केरला में या कहां पे, मान लो व्हीकल जो है वो नदी नदी में नहीं नहर में उतार दिया, ठीक है, तो वो क्यों हुआ, मे बी ध्यान नहीं गया है, कैसे बोले कि गूगल मैप फॉलो कर रहे थे। तो अब इस टाइप के उस चीजों को अवॉइड करने के लिए इस टाइप के सिस्टम आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा। देखो, बस सिग्नल प्रायोरिटी सिस्टम जहां पे भी, ये नॉर्मल को मॉडिफाई करके बेटर अकोमोडेट करेंगे जो अपनी पब्लिक बसेस हैं, ताकि उनको ज्यादा लोग प्रेफर करें। अभी ब्लाइंड प्रायोरिटी दी जा रही है इमरजेंसी व्हीकल्स को, उसको भी थोड़ा सा रैशनलाइज किया जाएगा। ऐसे ही कॉस्मिक लिए लेके आ रहे हैं, कॉमन स्मार्ट IoT कनेक्टिव, ये एक मिडलवेयर सॉफ्टवेयर है जो कि स्टैंडर्ड बेस्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ द IoT अडेरिंग टू M2M बेस्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड, यानी सबके साथ मिलके कैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लिंक करके हम इसको बेटर बना सकते हैं। कॉस्मिक एक आपका डैशबोर्ड है जिसमें IoT यूनिट्स, प्रोडक्ट्स, एप्लीकेशन, लाइव डाटा आपका चलता रहता है इन ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कितना आएगा कितना नहीं आएगा वो सारी चीजें। ठीक है, ओके, SUV 700 में, नाइस, XUV 700 काफी लगती भी शानदार है, देखी थी मैंने, लुक्स में भी अच्छी है, दैट्स गुड। देखो, अब ये हो गया है, अगला हमारा टॉपिक आता है टॉपिक नंबर 26, LCRDI, ये आ सकता है। LCRDI क्यों आ सकता है? स्पीड ठीक चल रही है, स्लो तो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कहीं स्लो स्लो थोड़ा सा। देखो, ये क्यों आ सकता है? अभी तक जो हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और ये सब चल रहे थे, ये हमारे रेडियो वेव्स पे चल रहे थे, अभी हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं लेजर। ठीक है, तो इसलिए आ सकता है। जो भी टीम ठीक है ले आएंगे टेस्ट ड्राइव, जो भी टीम कह रहा हूं मैं, जो भी चीज पहली बार हमारी डेवलप होती है, इट बिकम्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखो, वैसे भी नासा ने करी है, इट इज अ न्यू कम्युनिकेशन सिस्टम LCRDI। LCRDI क्या है? आपका लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन, लेजर से कम्युनिकेट करोगे, रिले करोगे, वापस से लोगे, डेमोन्स्ट्रेट करोगे। ठीक है, फर्स्ट एवर लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम कहां से शुरू कर रहे हैं? फ्लोरिडा का जो इनका स्पेस स्टेशन है वहां से। फैक्चुअल चीजें हैं, देखने के चलना है, ज्यादा कुछ नहीं। देखो, हेल्प द एजेंसी टेस्ट ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इन स्पेस, कि भाई स्पेस में किस तरीके से ऑप्टिकल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पहली बार लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा ये कर रहे हैं अपन। देखो, करंटली नासा में क्या चल रहा है? रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू। अब जैसे ही हम ऑप्टिकल पे जाएंगे, इसकी जो बैंडविड्थ है 10 से 100 गुना आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक तो फास्टर हो जाएगा, बढ़ गई है, ज्यादा अपन कर सकते हैं, एरिया कवर कर सकते हैं, ये सारी चीजें। सेकंड, LCRDI हैज टू ऑप्टिकल टर्मिनल्स, एक जो डाटा को रिसीव करेगा जो यूजर स्पेसक्राफ्ट है वहां से, दूसरा ट्रांसमिट करेगा ग्राउंड स्टेशन पे डिजिटल डाटा इनटू लेजर सिग्नल्स। ठीक है, ये इसको ट्रांसलेट भी करेगा। मान लो डिजिटल डाटा, आपने कुछ इनपुट दिया 1 2 3 4, उसको लेजर में ट्रांसमिट करके फिर लेजर से वहां पे इनपुट गया, उसने फिर उसको फिर से डिजिटल में किया और वो आपको दिख, जैसे अभी अपन, जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं तो यहां पे बोल रहा हूं आपको, एग्जैक्टली वो वहां पे क्यों सुनाई दे रही। जैसे अपन ने क्या देखा था, साउंड एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इज गोइंग थ्रू दिस, वो अलग वे में प्रोपगेट कर रहे, वो आपके पास फिर आती है तो वो फिर से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ओके है, ठीक है, सिमरन भारती, थैंक यू। चलो देखो, अब हम आते हैं, ये तो अपना हो गया, तो इसमें ये चलेंगे, एंड इट विल बी ट्रांसमिटेड वाया एनकोडेड बीम्स ऑफ लाइट। एनकोडेड मतलब उनकी जो झिलमिल झिलमिल है वो इसी हिसाब से रहेगी, तेज चमक रही है, कम चमक रही है, ताकि उसमें एक इंफॉर्मेशन होती है,
इन्फॉर्मेशन हम अलग अलग फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, लेजर कम्युनिकेशन को ट्राई कर रहे हैं पहली बार, तो एलसीआरडी कैन बी आस्क, ठीक है। लेजर वर्सेस रेडियो में क्या रहेगा, पहली चीज आप वेवलेंथ जो लाइट की यूज कर रहे हो, लेजर में क्या रहेगी, इंफ्रारेड शॉर्टर है, शॉर्टर है तो कम टाइम में ज्यादा डाटा आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, मेजर पॉइंट, ठीक है। साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, साइंस में रहेगा। एडवांटेज क्या है, देखो इसमें जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम है ये छोटे स्पेस का रहेगा, एनर्जी भी कम लेगा, स्पेस कम है तो स्पेस क्राफ्ट में जब जा रहा है तो उसमें हम दूसरी चीजें लोड कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी कम ले रहा है तो बैटरी कम यूज होगी, बैटरी कम यूज होगी तो लाइफ जो है स्पेस क्राफ्ट की बढ़ेगी, मोर रूम फॉर अदर, लेस वेट, लेस एक्सपेंसिव, लेस पावर, तो बैटरी लाइफ हाई। हाउ विल द लेजर सिस्टम बी, ये एक जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में आपका 35,000 किलोमीटर पे अबव अर्थ रहेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू अवर, आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक, वेब 3.0, ठीक। अब मैं इसको एक बार तो आपको एक्सप्लेन करता हूं, इसमें जो जो डिटेल है काफी डिटेल में कवर कर रखा है, वेब 1.0, 2.0, 3.0 ये सब करके, ठीक है। तो इसको अभी अपन पहले तो समझ लेते हैं दो चार मिनट, एक वही ब्रीफ ओवरव्यू, उसके बाद अपन इसके जितने भी डाटा है वो देख लेंगे, उसमें कोई ज्यादा तो है नहीं, ठीक है। देखो नाम क्या है, वेब 3.0, पहले से ही बात बुत तो चल रही थी, अभी पॉइंट इज पहले हमारे पास आया वेब 1.0, फिर 2.0, फिर 3.0। 1.0 में क्या था कि हम थोड़ा मोटा ट्रांसमिशन आपका चलता था, उतना इंक्लूसिव वो नहीं था, आपने कुछ सर्च किया देखा, सर्च ही नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट टॉपिक है भारती, आज आज का कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे बीच में नहीं छोड़ते, कल नहीं करेंगे, आज ये वाली पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 52 पे आ गए हैं, 57 हार्डली, इट विल टेक 10-12-15 मिनट्स, दैट्स इट, डेढ़ तक मैं फिनिश करवा दूंगा, ठीक है। प्लीज बियर, अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है, लगे रहो लगे रहो। देखो पहली चीज इसको सिर्फ समझना है, आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ी, लेजर टेक्नोलॉजी पढ़ी, सिंपल तरीके से अभी हमारे पास जैसे यूट्यूब है, ठीक है, और फेसबुक है, मेरा जो डाटा है वो आपके पास जा रहा है, आपका भी जा रहा है, पब्लिक स्पेसेस में भी जा रहा है, एक दूसरे को हम कंट्रोल कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, डाटा इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बट उस डाटा का जो स्टोरेज है, ठीक है, वो किनके पास है, प्राइवेट कंपनीज के पास। उसका जो यूजेस है वो किसके पास है, प्राइवेट कंपनीज के पास। प्राइवेसी जो है वो किसके पास है, प्राइवेट कंपनीज के पास। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमारे पास आ रहा है वेब 3.0। इसमें क्या रहेगा, इंडिविजुअल लेवल्स पे, ठीक है, आपके पास ओनरशिप रहेगी आपके डाटा की, आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे, डिसेंट्रलाइज्ड ये रहेगा, ठीक है। किस तरीके से क्या आगे प्रोसीड होंगे, क्या हम जैसे मान लो अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं दूंगा, मैंने भी आज इसको सर्च किया, देखा कि क्या डिफरेंसेस आते हैं। जैसे मान लो हम सर्च करते हैं इंडिया वर्सेस कुछ भी, ब्रिटेन, पाकिस्तान, कुछ भी सर्च किया आपने, तो जो यहां पे 3.0 में जो सर्च आएगी आपकी, वो आती है मल्टीपल सर्चेस को आपके लिए प्रेजेंट करते हुए डाटा टेबुलर फॉर्म में, जैसी आपको चाहिए, कि दोनों में डिफरेंस लोकेशन कहाँ है, उसके स्पेसेस कहाँ है, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है, लिटरेसी रेट कितना है, और ये सब वो हमें अलग अलग सर्च करनी पड़ती है। विकिपीडिया पे थोड़ा थोड़ा तो अपने को मिल जाता है, बट मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, मोर डाटा का यूज करके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज करके हम एक इतना इंटेलिजेंट सिस्टम बना रहे हैं जिसमें सारी चीजें डिसेंट्रलाइज्ड, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं, बहुत कम, बाकी एजेंसीज का कंट्रोल बहुत कम, इनके अलग अलग स्टोरेजेस बनाए जाएंगे। हो सकता है जो हमारे सिस्टम्स ही हैं सबके सिस्टम्स में ही थोड़ा 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 स्टोरेज रहे, आपके सिस्टम में से 20 GB आप दे दो, उसमें अपन स्टोर कर लेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी अपन क्लाउड स्टोरेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मोडेलिटीज कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो अपन आगे देखेंगे, बट मेजर पॉइंट इज वेब 3.0 हमारा यूपीएससी में भी पूछा गया था, यहां पे आ सकता है, वेरी गुड चांसेस, ठीक है। तो इसमें डिसेंट्रलाइजेशन की आपको बात करनी है, ओनरशिप की बात करनी है, प्राइवेसी की आपको बात करनी है, ठीक है। मोर यूजेस भी ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू जो अभी चल रहा है, कनेक्टिविटी, 3D इमेजेस और वो सब, मेटावर्स जिनकी अपन बात करते हैं, ठीक है, कंपेरेटिव एनालिसिस, बेटर अंडरस्टैंडिंग हर चीज की आपको हो सकती है, ये सारी चीजें चलेंगे। देखो हो क्या रहा है, इट इज अ थर्ड जनरेशन इंटरनेट, यहां पे जो वेबसाइट और एप्लीकेशन है, जैसे मान लो अपनी एप्लीकेशन है डॉक्टर मित्र अकादमी एप्लीकेशन, उसमें जितना भी डाटा आ रहा है, कौन आदमी कितने टाइम तक आया, कब गया, कैसे गया, क्या सर्च किया उसने, उन सारी चीजों को एनालाइज करके वो एक तरीके से आपको फीडबैक प्रोवाइड कराएगा,
टू मेक अस बेटर एट अवर सर्विसेज, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कैसे आ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, उसकी फीडबैक मुझे देगा, आपको क्या देगा कि आप किस कोर्स को बेटर तरीके से यूज कर सकते हो, आपको उसमें क्या क्या मिलेगा, कंपैरेटिव एनालिसिस, इस कोर्स, ये कोर्स, वो सारी चीजें, ठीक है। तो आपको एआई और इसकी मदद से ही पता चल जाएगा। ये रहेगा वेब 3.0, वहां पे वेबसाइट्स, एप्लीकेशन, आपको इंडिविजुअलाइज्ड प्रोडक्ट, ठीक है, आपके ही अकॉर्डिंग वो तुरंत आपको मिल जाएगा, ये सबसे बड़ा फायदा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, स्मार्ट ह्यूमन लाइक वे थ्रू टेक्नोलॉजीज लाइक मशीन लर्निंग, बिग डाटा, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी। ओरिजिनली इसको बोला गया था सिमेटिक वेब बाय WWW इन्वेंटर टिम बैरनली ने। ज्यादा ऑटोनोमस है, इंटेलिजेंट है, ओपन है, ठीक है, AIO, ऑटोनोमस, इंटेलिजेंट एंड ओपन, ये टर्म आप ध्यान रखेंगे और इनको ही यूज करेंगे, ठीक है। इवोल्यूशन देखो कैसे रहा, जैसे नेचुरल इवोल्यूशन, ओल्ड टू न्यू, वेब 1.0 1989 to 2005 तक ये पहला वर्जन था इंटरनेट का, इसमें कुछ नहीं होता था, एल्गोरिदम्स नहीं होते थे, पेजेस पे शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता था, कुछ भी सर्च करनी है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलती ही नहीं थी, जो इन्फॉर्मेशन है उसी को ही देख लो, कंटेंट क्रिएशन कुछ ही लोग करते थे, इंफॉर्मेशन आपके पास वहीं से ही आती थी, डायरेक्टरीज, ठीक है, जैसे मान लो अपने पास टेलीफोन की डायरेक्टरी जो होती है, कंटेंट, उसका कंटेंट कौन क्रिएट करेगा, गवर्नमेंट, टेलीफोन विभाग, तो वहां से वैसे ही कंटेंट क्रिएट, आज के टाइम पे कंटेंट कोई भी क्रिएट कर सकता है, किसी के भी पास किसी का भी कंटेंट हो सकता है, ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, यूबिकटस, ठीक है। उसी चीज को और ज्यादा आगे लेके जाने की यहां पे बातें चल रही हैं। नाउ देखो, वेब 2.0 2005 से शुरू हुआ प्रेजेंट तक, तभी हमने सारे इवोल्यूशंस देखे नेट के, छोटी छोटी स्पीड से लेके आज की जो स्पीड अपनी चल रही है उसके बारे में, ठीक है। तो यहां पे देखिए, इट मेड द इंटरनेट लॉट मोर इंटरेक्टिव, जावा, एचटीएमएल, सीएसएस 3, ज्यादा इंटरेक्टिव प्लेयर, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, विकिपीडिया, आप बात कर पा रहे हैं एक दूसरे से, जैसे अपन कर रहे हैं, ठीक है, एड्रेस कर पा रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, पता चल रहा है, फीडबैक, वेरियस वे टू इंटरेक्ट, ठीक है। तो ये सारा हमारा चलता ही है। इट पेव्ड द वे फॉर बोथ सोशल नेटवर्क यूजर गैदर कंटेंट प्रोडक्शन, बट इट इज ड्रिवन बाय मोबाइल, सोशल नेटवर्क एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी। यहां पे डाटा हाईली सेंट्रलाइज्ड है किन के पास, टेक जायंट के पास। बट वेब 3.0 में क्या रहेगा, ये इंटरनेट को ज्यादा इंटेलिजेंट बना देगा, आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आपको उसी तरीके के प्रोडक्ट्स ऑफर करे जाएंगे, आपको ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो इट विल असिस्ट द यूजर्स ऑल्सो और क्रिएटर्स ऑल्सो, ऑटोमेटिकली इंटरफेस विद सिस्टम, पीपल, होम डिवाइसेस, सब चीजें कनेक्टेड, ठीक है। टू मच डाटा, टू मच इन्फॉर्मेशन, टू मच पर्सनलाइज्ड आपको चीजें मिलती, जैसे आज के टाइम पे एआई का यूज करके आप कोई चीज सोचते हैं, हल्की सी सर्च कर ली, उसी की एड्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है, वो एक छोटा फॉर्म है, वो बड़ी फॉर्म में 3.0 में देखने को मिल सकता है। बट द पॉइंट इज, यहां पे आज के टाइम पे आप हमारा डाटा कोई भी बेच सकता है, वेबसाइट पे आपका डाटा रहा, कोई भी यूज कर लेगा, टेक जायंट्स यूज कर लेते हैं क्योंकि कंट्रोल सारा उनके पास है। बट इन 3.0 यू विल बी हैविंग द कंट्रोल, प्राइवेसी विल बी मोर, सिक्योरिटी विल बी मोर, यूजेस आपके अकॉर्डिंग ही रहेगा, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइज है, मशीन लर्निंग, एआई, ब्लॉकचेन को यूज करके बनाया जाएगा। तो इन दिस बिजनेस मॉडल यूजर कैन लॉग इनटू अ वेबसाइट विदाउट हैविंग देयर इंटरनेट आइडेंटिटी ट्रैक्ड, जो आज के टाइम पे हो जाता है, ठीक है। 3.0 के की फीचर्स, यूबिक्यूटस अभी वाला भी है, बट ये और ज्यादा हो जाएगा, एवरीवेयर, एवरी टाइम, हर एक के पास इंटरनेट, ठीक है, वो चीज रहेगी। इट इज सिंपली टेक्स दिस स्टेप फर्दर, इंटरनेट एक्सेसिबल टू एवरीवन, एनीवेयर, एनी टाइम, आईओटी, ठीक है, इसमें और ज्यादा स्मार्ट डिवाइसेस बन जाएंगे, जिसको जो लेक्चर जिस टाइम पे देखना है उसी टाइम के हिसाब से उसको लेक्चर मिलने लग जाए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, देन सीमेटिक वेब स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ल्ड्स, ठीक है। देयरफॉर यहां पे क्या है कि इससे मशीन्स जो हैं वो मीनिंग्स, इमोशंस और डाटा का एनालाइज कर सकते हैं, उसको डिकोड कर सकते हैं। इट इंप्रूव्स द एबिलिटी टू जनरेट, शेयर एंड कनेक्ट थ्रू सर्च एंड एनालिसिस। आज के टाइम पे हम जो सर्च एनालिसिस करते हैं काफी हद तक स्ट्रीमलाइंड है, उसको और ज्यादा बेटर बनाया जाएगा, ठीक है, सिंपल बात ये। इंटरनेट यूजर बेटर एक्सपीरियंस रहेगा, डाटा कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको अपन यूज करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, ये आपका आ सकता है 2 मार्कर में। विकिपीडिया क्या कह रहा है, जो इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल है, यानी मशीन्स की जो रहती है उस हिसाब से, ठीक है, यानी इंटेलिजेंस डेमोंस्ट्रेटेड बाय मशीन्स, इसी को ही यूज करेंगे। मशीन में जितना भी डाटा आया उससे उन्होंने क्या सीखा, किस तरीके से सीखा, क्या और इंप्रूव कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फास्टर, रेलेवेंट,
ठीक है, मोर इंटेलिजेंट, बेटर सेटिस्फाइड द यूजर, यस, स्पेशल वेब, 3D ग्राफिक्स, और ज्यादा बिल्डअप हो जाएंगे क्लासेस, जैसे मान लो आप अपने घर पे बैठो मेटावर्स, ठीक है, तो मेरे को तुम घर पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हो, मेरे सामने एक क्लासरूम भी बन रहा है, मैं यहाँ पे खड़ा खड़ा वो कर पा रहा हूँ, और आपके घर में भी सेम क्लासरूम, आपको भी लग रहा है कि आपके बगल में भी लोग बैठे हुए हैं और मैं भी आपको सामने ही दिखाई दे रहा हूँ, इस टाइप का एक एनवायरमेंट क्रिएट हो जाए, वो पॉसिबल हो पाएंगे, ठीक है, विद मोर इंटरनेट स्पीड एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इसमें जैसे रियल एस्टेट में आपने कुछ लेना है, हेल्थ में, ई कॉमर्स में, इनमें ज्यादा रहेगा, ठीक है। मान लो मुझे शॉपिंग मॉल नहीं जाना है, बट यहीं पे खड़ा खड़ा मैं शॉपिंग मॉल की सारी चीजें देख सकता हूँ, ट्राई कर पाऊं, ठीक है, देख पाऊं मेरे पे ये चीज कैसे लगेगी, किस साइज की लगेगी, एवरीथिंग विल बी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू दैट। कनेक्टिविटी बहुत हैवी रहेगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रहेगा, तो आपका प्रोटेक्टेड है, एनक्रिप्टेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, पीयर टू पीयर इंटरकनेक्शन रहेगा, ओनरशिप किसके पास रहेगी, आपके ही पास, आपके डाटा की और डिजिटल एसेट की, किसी दूसरे के पास है ही नहीं, ठीक है। एप्लीकेशंस देखिए, इसमें टेक्नोलॉजी देखो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आपस में जो कनेक्टिविटी है, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, AI, AR, VR, और एडवांस नेटवर्किंग, 5G को अपन यूज करेंगे, 5G अपन ने कल देखा ही था, उसके एप्लीकेशन में ये रहेगा, ठीक है। एज कंप्यूटिंग, जियो लोकेशन सर्विसेज, टोकनाइजेशन, सारे के सारे को यूज करके अपन यहाँ पे काम करना चाहते हैं। एप्लीकेशन देखो हर चीज में इसकी है, एप्लीकेशन इज द एबिलिटी टू डाइजेस्ट लार्ज स्केल इन्फॉर्मेशन एंड टर्न इट इनटू फैक्चुअल नॉलेज एंड यूजफुल एग्जीक्यूशन फॉर द यूजर्स। अब इसमें दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए, जैसे ऑगमेंटेड रियालिटी, सिमरन देखो ऑगमेंटेड रियालिटी, रियालिटी जो है उसको ऑगमेंट कर रहे, ठीक है। वर्चुअल रियालिटी क्या है, जो हम VR हेडसेट जो होते हैं उसमें देखते हैं, आपके सामने हेडसेट है, ठीक है, हेडसेट आपने लगाया, आपको उस हेडसेट के अंदर बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, आपको लगता है, जैसे मान लो उसमें जो चल रहा होता है उसको अपने लगता है कि भाई हम ब्रिज पे चल रहे हैं, गिर जाते हैं, वो सारी फीलिंग्स आती है, ठीक है, बट वो सारी रियलिटी वर्चुअल है। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है कि मैं इसी रियलिटी को ऑगमेंट कर दिया वर्चुअली, जैसे मैंने आपको बताया, तो यहां पे आपको जैसे स्क्रीन दिख रही है, डाटा दिख रहा है, स्लाइड चल रही है, प्रेजेंटेशन चल रही है, इस टाइप से ही वो रहेगी ऑगमेंटेड, ठीक है। मान लो गूगल मैप्स में यूज कर रहा हूं, तो जो अपनी स्क्रीन है कार की, उसी स्क्रीन पे ही मैप चल रहा हो, रेदर देन आपको उसमें देखना, दैट इज ऑगमेंटेड रियालिटी, वो वहीं पर आपको बता दे तुरंत, टर्न दिस साइड, टर्न दैट साइड, और ज्यादा वो है ऑगमेंटेड, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा। अब इसमें देखो दो एप्लीकेशन है, जैसे सीरी है, वोल्फ्राम अल्फा, वोल्फ्राम अल्फा में आप देखना सर्च करके, ठीक है, जैसे कंप्यूटर इट इज लाइक सीरी और AI असिस्टेंट, जैसे अलेक्सा, आप कोई भी चीज बोलते हैं वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उस हिसाब से आपको रिजल्ट देते हैं, पर्टिकुलरली अलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, प्ले गुड म्यूजिक, ओल्ड म्यूजिक, सैड म्यूजिक, वो प्ले करेगी, ठीक है। ऐसे ही ये असिस्ट कर रहे हैं आपको, ऐसे ही देखो वोल्फ्राम अल्फा इज अ कंप्यूटेशनल नॉलेज इंजन, जो आपके डायरेक्टली कंप्यूटेशन के थ्रू एड्रेस करेगा, एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपको ये देता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सारी चीजें टेबुलर फॉर्म में। तो इसको आप सर्च करके देखना एक बार, इस वेबसाइट को वोल्फ्राम अल्फा को खोल के कोई चीज उसमें सर्च करना, ठीक है। अब जैसे देखो गूगल गिव्स रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड कप इवन इफ यू डोंट इंक्लूड फुटबॉल, तो फुटबॉल को क्यों दिखाता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप को, क्योंकि गूगल की पॉपुलर सर्च में क्या है, फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो उसको दिखाएगा, बट दूसरे जो होंगे वो आपके हिसाब से ही देंगे। देखो अल्फा जो हमारा है वोल्फ्राम अल्फा, इसमें जैसे मान लो आपने सर्च किया दो कंट्री में कंपैरिजन, ठीक है, तो उसको आप एक बार करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये डिफरेंट कर पा रहा है। फिर एक हमारा आ रहा है वेब 5.0, ये उससे भी और आगे की चीज है, इसकी बात करी थी ट्विटर के CEO जैक डोर्सी ने। इसमें क्या है कि ओनरशिप ऑफ द डाटा एंड आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल, जो कि आपका इजिली थेफ्ट हो जाती है, तो उसकी भी आपको आवश्यकता नहीं पड़े, आइडेंटिटी आपके खुद के पास ही रहे, तो उसको ये करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा है द वेब डेमोक्रेटाइज्ड द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बट इट इज मिसिंग अ लेयर आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को जैसे मान लो 3.0 में आपने स्वाति प्लीज वेट फॉर सम टाइम, एक मैसेज आ जाता है, आपको इतने मैसेज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्लासरूम एग्जाम्पल ऑगमेंटेड रियलिटी का ही और रहेगा। यस भारती, इवनिंग में प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन है डेफिनेटली, ठीक है। देखो अब है इसमें, देखिए वेब डेमोक्रेटाइज्ड एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, मेरे पास इंफॉर्मेशन आपके पास जा रही है, आपके वाली मेरे पास आ रही है, बट इसमें आइडेंटिटी वो ट्रैक हो जाती है,
उसको भी ये यहां पे सोल्व कर रहे हैं वेब 5.0 में। आइडेंटिटी आपके पास ही रहेगी, इट इज सिंपली वेब 2.0 प्लस 3.0 दैट विल अलाउ यूजर्स टू ओन देयर आइडेंटिटी ऑन इंटरनेट एंड कंट्रोल देयर डाटा। तो यहां पे सेंसरशिप की कोई थ्रेट नहीं रहेगी, मतलब जो भी जिस भी हिसाब से इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, डालना चाहता है, वो कर सकता है। ठीक है, आज के टाइम पे जो हम सेंसरशिप देखते हैं, कंट्रोल किया जाता है। ट्विटर पे आपने कुछ डाला, उसको सेंसर कर दिया गया, ठीक है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। बट उसके फायदे नुकसान भी हो सकते हैं, वो चीज अपन बाद में देखें। ठीक है, ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अपना डन हो गया साइंस एंड टेक। अब जो साइंस की एक क्लास आपकी रहेगी, वो आपकी रहेगी नेक्स्ट मंडे को, सैटरडे एंड संडे। कल अपन क्या करेंगे, कल भी आपका फुल लेंथ टेस्ट चलेंगे डिस्कशन में, आज भी आपका इवनिंग में फुल लेंथ टेस्ट डिस्कशन रहेगा। संडे इवनिंग तक मैं चाहता हूं कि आपके वो कंप्लीट हो जाएं, उसका एक शेड्यूल जो है वो मैं डाल दूंगा, संडे तक आपके पूरे हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, पेपर वन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, स्वाति, व्हाट इज द फुल लेंथ कोर्स फी, प्लीज टेल मी, आई वांट टू ज्वाइन फॉर द नेक्स्ट ईयर बैच। अभी स्वाति नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं आया है कोई भी, तो प्लीज वेट फॉर वन एंड हाफ मंथ, एक बार एचसीएस मेंस हो जाता है, उसके बाद अपन नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी आपका बैच रहेगा आई विल बी अनाउंसिंग दैट। ठीक है, डन। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड इट इज ग्रेट हैविंग यू ऑल अगेन। सो वी विल मीट इन द इवनिंग एट 7:30 PM, 7:30 to 9:30 अपना सेशन रहेगा। टाइम से पहुंच जाना, 2-2 मिनट लेट मत आना, ठीक है, तो टाइम से पहुंचो, एटलीस्ट वो 1-2 मिनट मेरे वाले भी होते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, सो दैट्स इट एंड सी यू इन द इवनिंग, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।